मध्य में माननीय यतिंद्र शर्मा जी, आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र लखनऊ है। मैं भैया अभिषेक, जो अपने पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएं और भाई साहब का स्वागत करें। सैनिक ताल कुरु। प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। हमारे मध्य उपस्थित अतिथियों का परिचय कराना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। हमारे मध्य इस विद्यालय के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार जी, आप विद्यालय के अध्यक्ष हैं। विद्या भारती गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रमुख हैं। आप उद्योगपति हैं। आपका निवास सेक्टर 11 में है। हमारे मध्य श्रीमान रजनीश जी, आप विद्यालय के प्रबंधक हैं। संघ दृष्टि से नोएडा महानगर व्यवस्था प्रमुख हैं। आपका टैक्सेशन का प्रोवेशन है। आप सेक्टर 11 में निवास करते हैं। हमारे मध्य श्रीमती सुनेत्री जी, आप विद्यालय की कोषाध्यक्ष हैं। आप आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। आपका निवास सेक्टर 55 नोएडा में है। क्रम में दीदी रश्मि गोयल जी, आप विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद मेरठ प्रांत की सह संयोजक हैं। सरस्वती शिशु मंदिर नेहरू नगर की आप पूर्व छात्रा हैं। आपका निवास गाजियाबाद में है। श्रीमान पंकज जी, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। विद्या भारती योजना में पिछले 20 वर्ष से कार्यरत हैं। आप फिजिक्स के प्रवक्ता भी हैं। विपिन शर्मा जी, आप विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद मेरठ प्रांत के सह संयोजक हैं।
आप छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर बुलंदशहर के पूर्व छात्र हैं। वर्तमान में आप HCL टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं। आपका निवास मेरठ है। हमारे मध्य सुदेश यादव जी हैं। आप हास्य वेदना ओज के कवि हैं। आपकी कवि विद्या तांडक, धनाक्षरी गीत, मुक्तक है और कविता है। देश के विभिन्न राज्यों में 600 से अधिक कवि सम्मेलन में सहभागिता की है आपने। हमारे मध्य श्रुति शर्मा जी हैं। आप श्रृंगार वीस रस की कवित्री हैं। आपकी काव्य विधा गीत, कविता एवं मुक्तक है। आपने 15 से अधिक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सहभागिता की है। देश के विभिन्न वरिष्ठ कवियों के साथ आपने काव्य पाठ किया है। कई न्यूज चैनलों में आपने इसका काव्य पाठ किया है। श्री राजकमल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भोजपुरी गायक हैं। श्री नोबल दुसाद जी, आप बांसुरी वादक हैं। युवा दिवस के अवसर पर कुछ लाइनें याद आ रही हैं। धरा पर हर तरफ स्नेह का मकरंद हो जाए, न फिर से देश में कोई पैदा जय चंद हो जाए। मेरी माँ भारती से बस यही कामना इतनी, मेरे देश का हर शख्स विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा बहन रश्मि जी को कि वह आए और युवा दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र के बारे में कुछ चित्रण करें। मंच पर आसीन माननीय यतीन जी भाई साहब, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्य और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पंकज जी, और विशेष अतिथि के रूप में आए हुए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त विशेष अतिथि, मेरे साथी विपिन जी मेरठ से आए हुए, और आप सभी मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरी बहनें। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को मतलब ये कोई भाषण वगैरह, मतलब आप परेशान मत होना कि कुछ भाषण वाषण होने वाला है, कुछ ज्ञान वगैरह देने वाले हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बस छोटी सी आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि पहला परिचय है मेरा आप लोगों के साथ। तो एक छोटा सा, आप सभी लोग क्योंकि पूछाद हैं हमारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, विद्या भारती के, तो एक सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न होता है कि हर छोटे बच्चे के मन में, बड़ों के मन में क्यों, हर एक सबसे स्वाभाविक क्वेश्चन होता है क्यों। क्यों मतलब ये संगठन क्यों है, क्यों पूछाद परिषद का गठन हुआ, इसकी क्या क्यों जरूरत पड़ी। तो इसी के विषय में मैं पहले, चूंकि आज युवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और भारत इस उसमें हम लोग सबसे लकी हैं कि भारत सबसे युवा देश है आज। और क्यों युवा क्यों है, क्योंकि आप सब लोग हैं, इसलिए भारत युवा है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा परिचय कि पूछाद परिषद क्यों हम गठन किया, और आप लोगों का गठन करने के साथ आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि ये कार्यक्रम करना है, तो इसका क्या पर्पज है। तो एक कार्यक्रम का उद्देश्य पूछाद परिषद का गठन। तो पूछाद परिषद का, क्योंकि हम विद्या भारती का गठन इतने साल हो गए और इतने बच्चे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में पढ़े कि पूछाद परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है आज की तारीख में, और हमने इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो पूछाद परिषद का जो उद्देश्य था उसके गठन का, वो ये था कि हम लोग अब जो इस स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं, वो अब समाज में प्रतिष्ठित विभिन्न क्षेत्रों में, प्रतिष्ठित क्षेत्रों में, प्रतिष्ठित पदों पे इस समय है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न समाज में पदों पर प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज है, हम लोग आपस में एक सूत्र के द्वारा, एक संपर्क सूत्र के द्वारा आपस में बने रहें, आपस में सतत संपर्क में रहें, निरंतरता बनी रहे। तो उसके लिए उसको करने का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, उसको उद्देश्य है कि ये तो हम सभी को पता है कि जो संस्कार हमको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में मिलते हैं, वो और स्कूलों में हमको नहीं मिलते। कितने ही पब्लिक स्कूल है, अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हम सब मिस करते हैं ये सब चीज़ की हमारे बच्चे
जो और पब्लिक स्कूल में और लोग हैं उनमें वो जो हमारे मोरल वैल्यूज जो हमको संस्कार शिशु मंदिर विद्या मंदिर में सिखाए जाते थे वो सब नहीं है। तो अब हम अगर उन संस्कारों के साथ हम पले बड़े और आगे जाके वो सब हम भूल जाते हैं और अपने परिवार में अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते हैं या हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो उस स्कूल की शिक्षा वो सब व्यर्थ है। आपने शिक्षा ली, संस्कार लिए, तो क्यों ना हम ऐसे एक श्रृंखला बनाएं जिससे संस्कार हमारे दिए हुए जो संस्कार हमने लिए हैं अपने आचार्यों से स्कूल से उनका पुनर्जागरण हो और उसको हम अपने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रकल्पों के माध्यम से हम इसको वापस दे सके, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे और जो हमने इस समाज से लिया है वो इस समाज को देना ये नियम है। तो जो हमने यहाँ से सब प्राप्त किया है वो लौटा के यहीं से यहीं पर लौटा के जाएंगे तो संतुष्टि मिलेगी, एक अलग तरह की संतुष्टि मिलेगी आपको। तो उसके लिए हमारा जो पुरुषार्थ परिषद है उस वो विभिन्न स्तर पे काम करता है। तो उसमें हमारे विद्यालय स्तर पर हमारा है जो हमारी हमारा उद्देश्य है, हम सोचते हैं हमें करना चाहिए विद्यालय स्तर पर हम कुछ कर सकते हैं क्या, विद्यालय के लिए अपने साथियों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो हम जो किसी भी एक विशेष आप उसमें आपको प्रभुता हासिल है किसी उस पे विशेष सब्जेक्ट पे आपका हाथ है तो हम अपने विद्यालय के ही जो बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते जिनके पेरेंट्स इस उसमें है कि ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते तो क्या हम उनको पढ़ा सकते हैं, विद्यालय की किसी व्यवस्था में हम अपना योगदान दे सकते हैं, हम लाइब्रेरी में हम कुछ बनवाने में उनका योगदान कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं हम अगर जो किसी आप विशेष पद पे पहुंच चुके हैं तो आपको सब पता होता है कि इस तक आने के लिए आपको क्या क्या कंपटीशन आपको क्रॉस करना पड़ता है, किस किस लेवल पे जाके आपको करना पड़ता है। तो क्या हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं बच्चों की, करियर काउंसलिंग ही नहीं जरूरत होती, 6th, 7th, 8th में बच्चों की बौद्धिक काउंसलिंग करने की भी जरूरत होती है, वो भटका उस समय वो जो उनका उम्र होती है वो भटकती है, क्या हम उनका बौद्धिक विकास में हम कुछ योगदान दे सकते हैं। दूसरा है हमारा सेवा कार्य, तो हमारा जो पुरुषार्थ परिषद है उसका विशेष जो हमारा जोर रहता है वो सेवा कार्यों पर रहता है। सेवा कार्यों में हमारे आते हैं संस्कार केंद्र आते हैं, तो क्या हम संस्कार केंद्र अपने किसी भी उसमें संस्कार केंद्र खोल सकते हैं, संस्कार केंद्र संचालन में हम सहयोग कर सकते कि हम एक घंटा हम कोई बस्ती है उसमें जाके बच्चों को हम 15 बच्चे चिन्हित करके उनको थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, उनको आप स्वच्छता बता सकते हो, हाइजीन बता सकते हो, परिवार में कैसे एक साथ रहा जाता है, आप छोटी सी ऐसे भी बातें उनसे कर सकते हो, कहानियां सुना सकते हो। तो आप एक संस्कार केंद्र है, सेवा बस्ती होती है उनमें आप अपने विद्यालय में जो सेवा बस्ती के विद्यालय होते हैं उनमें आप सहयोग कर सकते हो। और हमारे सेवा के अन्य कार्य होते हैं, अनाथ बच्चों के केंद्र हैं, ब्लड बैंक है और अस्पताल में फल वितरण वगैरह है, इस तरह के हम कुछ काम कर सकते हैं क्या। क्योंकि आज विवेकानंद जयंती है, विवेकानंद जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवा दिवस के रूप में मनाना मतलब कि आप लोग युवा हो, आपका क्या दायित्व है, सिर्फ हम एक दिन साल में आके 12 जनवरी को इकट्ठे हुए, हंसे, थोड़ा बहुत कार्यक्रम हमने अटेंड किए, थोड़ा सा हम बोले, यहीं पर उद्देश्य हमारा खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि युवा वो नहीं होता कि जो 15 से 30 साल का होता है, युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है, सोच में क्रियाशीलता होती है और सतत करने की इच्छा रहती है, वो होता है युवा। वरना 15 साल के 20 साल के अगर जो आप बिस्तर पर बैठे बैठे अपने माता पिता से ये इच्छा कर रहे हैं कि वही सब कुछ करे, मेरा बड़ा भाई है वही सब कुछ कर रहा है, तो आप युवा बस उम्र के हिसाब से युवा हो, आप कर्म के हिसाब से युवा नहीं हो। तो आपको अगर जो विवेकानंद जयंती को आपको अपने उसमें अपने ऊपर आपको समित करना है, वो करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से प्रण लेके जाइए। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि विवेकानंद जी का सबसे बड़ा ध्येय वाक्य क्या था, सबसे फेमस? ऐसे तो विवेकानंद जी ने बहुत सारी बातें बोली। हाँ, खड़े होके बताइए, कोई भी बताइए। हाँ बताइए, आप भैया बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है कि सोचना पड़े, यहाँ पे आपके ही साथी हैं सब लोग।
उन्हीं को बोल रही हूँ, बताइए कोई। बिल्कुल ये है, और जो उनका मुख्य ताली बजाओ कम से कम पता है भैया को। जी भैया आप उठो जागो, और जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक लगे रहो, लक्ष्य की प्राप्ति तक लगे रहो। तो विवेकानंद जयंती का ये विवेकानंद जी का मेन ध्येय वाक्य था, और चूंकि आप युवा हो तो ये अपने ऊपर लागू करो। यहां से कम से कम एक प्राण लेके जाओ कि जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। हम आपको बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपको खुद निर्धारित करना होगा कि हमको क्या, हमको समाज से के लिए क्या कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए आप बहुत ऊर्जावान हैं, आप में बहुत करने की क्षमताएं हैं। आप सोचे कि अभी तो हमें करियर बनाने का टाइम है, अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूं, अभी नौकरी में टाइम नहीं मिलता, 5 साल बाद करूंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करूंगा, इस सब का कभी कोई समय नहीं आता। आप में इतनी क्षमता है, आप एक साथ 2 या 3 आराम से कोई भी आप लेकर चलेंगे लक्ष्य, आप उन सबको एक साथ पार कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर जो कुछ भी मेरे से बात करनी है या परिषद के उसमें या आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। सबको नमस्कार। हमारे मध्य एक अतिथि उपस्थित हुए हैं, एडवोकेट सुबोई खान जी। आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और एक जानी मानी समाज सेविका हैं, मूलतः आप मेरठ से हैं। हम सभी ने आपको टेलीविजन पर चर्चा वार्ता करते हुए अक्सर सुना है, आज हमारे समक्ष हैं। होता और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, तो इसी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा कर हमारे मध्य है भैया विश्वजीत और टीम। हम सभी के समय सेल्फ डिफेंस की जो है तो उसके बारे में बताएंगे और कुछ प्रदर्शन भी करेंगे। भैया विश्वजीत और टीम के लिए सैनिक ताल पुरु। सुप्रभात, मैं पूर्व छात्र विश्वजीत दे, इस स्कूल का 2015 बैच पास आउट। ओके, पहली बार मेरा स्टेज परफॉर्मेंस है जो कि मेरे खुद के स्कूल में है, ठीक है। अदरवाइज मैं स्कूल में पीईटी टीचर हूं और साथ ही साथ मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं कराटे। इस स्कूल से बहुत सी चीजें याद है मुझे, बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, बिकॉज मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ही यहां पे था। तो स्कूल में पढ़ने से ज्यादा ध्यान जो रहता वो क्या था हमारा, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स सभी को पसंद है, राइट? यस और नो? वेरी गुड। तो एक चीज मुझे बताएं कि हमने आज जो है ग्राउंड में देखा है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, ये तरक्की देख के कैसा लग रहा है सबको? बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी। बट आपको ये चीजें हमेशा याद होगी, ये चीजें नहीं थी फिर भी हम उस टाइम पे इससे ज्यादा डेवलप थे, है कि नहीं है? बिकॉज उस टाइम पे हमारे साथ हमारी टीचर थी जो हमें इस चीज में आगे ले जा रही थी, और अपनी तरफ से खुद से मेहनत करा के और अपने खुद के एफर्ट डाल के हमें आगे के लिए प्रिपेयर कर रही थी। वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो हमारे सिंगिंग फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, राइट? तो मैं विश्वजीत, मेरे जो 4 लड़कियां हैं, और ये लड़कियां सिर्फ लड़कियां नहीं है, ये मेरी बेटियां है। यस यस, ये मेरी बेटियां है। बेटियां क्यों है? बिकॉज इन्होंने मुझे 2012 में मैंने जब क्लासेस स्टार्ट कराई थी तो इनमें से एक लड़की ने मुझे बोला कि सर क्या मैं आपको पापा बोल सकती हूं? यस, यही हंसी मुझे भी आई थी, ये क्या, टीचर तो टीचर होता है, पापा कैसे हो सकता है ना? बट इन्होंने बोला सर आप जिस तरह से टीच हमें करते हो वो जस्ट एज अ कोच, यानी कि सिर्फ कराटे टीचर नहीं करा सकता, वो एक फादर ही करा सकता है, कि आप अपने बेटी जैसे हमको केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एंड किस चीज में क्या बारीकी है वो हमें बता रहे हैं। तो इसलिए तब से मेरा नाम पड़ गया फादर, और वो फादर भी सिर्फ फादर नहीं, अनमैरिड हूं तो टाइटल पड़ गया अनमैरिड फादर। तो तब से मैं अपने लड़कियों के लिए ज्यादा काम करता हूं, और मेरे पास अराउंड अभी
95 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 20 बॉयज है, सिर्फ 20 बॉयज मेरे पास है, अदरवाइज सारे मेरी गर्ल्स हैं। और आज स्पेशली स्कूल के लिए मैं थैंकफुल हूं कि मुझे बोला गया कि सर आप के यहाँ पे आके एक बार सेल्फ डिफेंस परफॉर्म कर सकते हैं लड़कियों के लिए। तो मेरे मित्र अमित भाई भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑलरेडी कराते हैं, बट जब मुझे स्कूल ने अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं रुका नहीं यहाँ पे। तो मैंने बोला जब स्कूल ने बुलाया तो आना बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरी जो लड़की है यहाँ पे हमारे बीच में एक आयशी राणा है, यस थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज बातें छोड़ के। मेरे बीच में एक आयशी राणा है जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, वहां पीछे मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, लड़का है, बॉय है, वो खुद एक नेशनल प्लेयर है एंड अभी उसने स्कूल गेम से ही अपने नेशनल गोल्ड मेडल निकाला है एंड स्कूल की तरफ से उसको अभी 10,000 रुपीज कैश प्राइज है। मेरे यहाँ पे सारे जो है खिलाड़ी है, बेल्ट मैटर नहीं करता, आपको पता है बेल्ट कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो व्हाइट बेल्ट हो चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, मैटर करता आपके अंदर का डर। जब आपके अंदर का डर निकलेगा तभी हम किसी चीज में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कराटे से रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपके अंदर का डर खत्म है तो आप किसी भी फील्ड को इजिली टैकल कर सकते हैं, अगर डर है तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो इस उपलक्ष में जो बुलाया गया सेल्फ डिफेंस, राइट, तो मैं आज टोटल 4 सेल्फ डिफेंस दिखाऊंगा गर्ल्स की, जो बेसिक्स होता है सिमिलर, जो आजकल लड़कियों के साथ चलते फिरते होता है ना, तो उसमें हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो पहला परफॉर्मेंस हमारी मनीषा एंड डॉली भाटी करेंगे, यस। तो पहला सेल्फ डिफेंस क्या है कि रस्ते से जब हम जाते हैं तो मोस्टली लड़कियों के साथ क्या होता है, कोई ना कोई आके कंधा धक्का मार के चला जाता है, होता है किसी के साथ, होता है नहीं होता है, होता होगा कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ इंसिडेंट होता है, राइट। तो उसी को दिखाने के लिए ये परफॉर्म मैं करा रहा हूं, यस स्टार्ट। गुड, ये क्या था कि जैसे कि आपको कोई शोल्डर टक्कर देता है ना, तो आपको भी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना है किस चीज के लिए, कि आपके साथ कोई मिस हैपेंस ना हो, राइट। तो उस टाइम हमें अलर्ट रहना है कि कोई ऐसा कर रहा है तो हमें इंटेंशन पता चल जाता है, कोई भी करता है तो तुरंत जैसे कोई करे जस्ट टर्न अराउंड, किक पंच एंड भाग जाओ वहां से। मेन चीज क्या है सेल्फ डिफेंस का, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि सेल्फ डिफेंस मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मारना है, आपका मेन चीज ये है कि आपको भागना है। सेल्फ डिफेंस का उद्देश्य आपको भागने का होता है, मारने का नहीं होता है, क्या वहां से बच के कैसे निकल सकते हो, राइट। तो हमारा अब सेकंड सेल्फ डिफेंस है आयशी एंड नेहा, इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा कभी कभी कोई ऐसी चीज होता है, दुश्मनी बहुत रंजिशें होती है गर्ल्स के साथ तो बहुत ज्यादा, कि बाल पकड़ के खींचने लग जाते हैं या फिर कोई किडनैप करने की कोशिश करता है ना। तो अभी क्या करेंगे कि कोई अगर पीछे से बाल पकड़ता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यस गुड देन थर्ड सेल्फ डिफेंस हमारा क्या है, रेडी, थर्ड सेल्फ डिफेंस, कोई अगर हमें पीछे से पकड़ लेता है जाते टाइम, मोस्टली क्या होता है आपने किडनैपिंग केसेस बहुत सुने हैं है ना, और मोस्टली किडनैप गर्ल्स के ही होते हैं, बॉयज के बहुत कम होते हैं, राइट। तो गर्ल्स के साथ अगर किडनैप होता है तो उस टाइम पे हमें करना क्या है, मेन चीज, रेडी एंड स्टार्ट। एंड रन अराउंड, जस्ट आपको क्या करना है, आपके जो ओपोनेंट है मींस आपका जो एनिमी है जो आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है उसको थोड़ा सा ढीला करवाना है कि आपको ग्रिप ना कर पाए, एंड जस्ट मारो भागो वहां से, अपने आप को छुड़ाओ और ऐसे जगह जाओ जहां पे आपको सेफ फील करें, राइट। तो बेसिक सेल्फ डिफेंस है सारा, एंड लास्ट एंड फाइनल सेल्फ डिफेंस मेरा है, रेडी गर्ल्स एंड स्टार्ट। कोई हाथ पकड़ता है,
गुड। ये तो मेरे छोटा सा बेसिक्स चार सेल्फ डिफेंस जो कि मुझे आज परफॉर्म करना था सिर्फ अपने स्कूल के लिए। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करूंगा, क्या हमारा सेल्फ डिफेंस सिर्फ मार पिटाई का ही होता है? हाँ, सिर्फ सेल्फ डिफेंस मार पिटाई का होता है क्या, या फिर सेल्फ डिफेंस सिर्फ हमें रोड में ही होता है और किसी चीज में नहीं होता, या घर में होता है और किसी चीज में नहीं होता? क्या कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हैंड रेस करके प्लीज। ब्लैंक आउट हो गए, ये क्या क्वेश्चन है? है ना, तो मैं आपको बताऊं तो सेल्फ डिफेंस मतलब ये नहीं कि हमारे साथ सिर्फ छेड़खानी हो तो ही हमारे साथ सेल्फ डिफेंस का ही मुद्दा है। हमारा सेल्फ डिफेंस एक सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया किस वे में? फॉर एग्जांपल आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मोस्टली यंगस्टर्स, ये हमेशा यंगस्टर्स के साथ ही होता है, जो मेच्योर होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं तो इतनी जल्दी वो इस चीज में नहीं आते हैं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाने के बाद हम अपने पर्सनल डिटेल्स उनको शेयर करते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स, वीडियोस या अपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स, राइट? अब जिससे हम कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो अच्छा है ना, वो क्या करते हैं लास्ट में, आपके साथ उसकी नहीं बनी है, आपका अनबन हुआ उसके साथ, आप अलग हो गए, तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसे कैसे, तेरे मेरे पास है बहुत से प्राइवेट फोटोज, पर्सनल डिटेल्स, तू मेरे साथ रहे अदरवाइज लीक आउट, स्प्रेड आउट, नेट पे मैं छोड़ दूंगा सारा। अब उस डर से क्या होता है, या तो लड़की हमारी, या तो जो लड़की हमारी है वो क्या करती है, सुसाइड, यस सुसाइड, या कुछ ऐसे गलत स्टेप्स जो उनको नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसी को बोलते कि चल ठीक है तू जैसे बोलता है वैसे हम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला सेल्फ डिफेंस हमारा क्या है कि आपको अपने घर के मेंबर, जो सीनियर मेंबर है, उनको कॉन्फिडेंस में लाना है और उनको अपनी ये चीजें प्रॉब्लम्स बताना है, तभी आपका सेल्फ डिफेंस हो सकता है। सेकंड सेल्फ डिफेंस, इसी में ही सेल्फ डिफेंस क्या होगा, जब ये आप डिटेल बताएंगे, बताने के बाद हमें अपने पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करना चाहिए सबसे पहला। ये मत सोचो समाज क्या कहेगा, समाज का कुछ नहीं होता, समाज कोई नहीं होता बोलने वाला, आप खुद होते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम खत्म करता हूं और मेरे स्पीच को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, मंच ताल करो। ऊर्जा से भरा योग है नृत्य, हर लेता सारे रोग है नृत्य, खुशियों का स्रोत है नृत्य, जीवन जीने का शोध है नृत्य, नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य ही मेरी भाषा है, नृत्य मेरे लिए सम्मान है, नृत्य मेरी ही पहचान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बहन गुंजन को।
उसने कहा आपका परिचय। मैंने कहा सुनते रहिए ये धुन, कहीं ना कहीं हो जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा भैया निर्मल जी को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष करें। मैं मूलतः असम से हूँ और बीते 8 वर्षों से ही दिल्ली में रहता हूँ और मैं पूर्व छात्र मेरठ में राधेश्याम मोरारका सरस्वती विद्या मंदिर है वहाँ के पूर्व छात्र हूँ और वर्तमान में इधर घोष का वादक हूँ और उसी में से ही वंशी का कुछ ऐसा प्रस्तुति करता हूँ।
उत्तराखंड का पहाड़ी सॉन्ग बजा करके अपना बांसुरी वादक बन करते हैं। धन्यवाद। पंचताल कुरु। हमारे मध्य हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीचंद शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। आपसे अनुरोध करूंगा एक बार आप मंच पर आ जाएं। आप वर्ष 2013 से 2016 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आप जिला गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2000 से 2003 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख भी रहे। वर्तमान में आप मेरठ सहारनपुर खंड के शिक्षक विधायक MLC हैं, साथ ही सभापति आवासीय परिवार जांच समिति व जिला प्रभारी अलीगढ़ हैं। मैं भैया विकास से निवेदन करूंगा कि भैया स्वागत करें। गीत वह सुरंग है जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है, और वह विश्व है खुशी का, हंसी का, कल्पनाओं का, बचपन का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अगले कार्यक्रम के लिए गीतकार भाई राजकमल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी का अभिवंदन करता हूं, और मैं आज जो गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो हम सबसे जुड़ा है, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है वो पूर्ण छात्र संघ का है और हम सब गांव से जुड़े हैं, तो गांव से ही जुड़ी और अपनी यादों से जुड़ी एक गीत जो मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं राजकमल परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाऊं मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मगर पाठशाला सुबह, अपने हाथों से खाना खिलाती थी मैं,
रात में अपनी ममता से आंचल चले सबकी यादों के मुझको चलाती सोचते दिल में एक तू सोचती रही रात भर दर्द मुझको जगाता रहा चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा गाँव मेरा मुझे याद आता रहा वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ सबकी आँखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दूं एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी ये तसव्वुर उन्हें जुगुर जुगाता रहा चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा गाँव मेरा मुझे याद आता रहा वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ लिखती तू हर बार थकने मुझे लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ नींद आती नहीं भूख लगती है तुम कितना चाह न रोऊं मगर क्या करूं हत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा गाँव मेरा मुझे याद आता रहा वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा 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 थैंक यू विशेष ताल गुरु भैया राजकमल की प्रस्तुति के लिए आप सभी की तरफ से विशेष ताल बजाएं। अभी अपने मध्य में अपने विशिष्ट अतिथि श्रीमान श्रीचंद शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और अपनी वाणी से हम सभी को कृत संकल्पित करें। आज के अपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय यतेंद्र जी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरा शांत रहेंगे ये पूर्व छात्र सम्मेलन है तो अवश्य इसमें मैच्योर बच्चे होंगे क्योंकि प्राइमरी के छात्र नहीं है कि आपस में बात करते रहे थोड़ा शांति से ध्यान दीजिए इधर श्रीमान सुशील जी इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं श्रीमान रजनीश जी विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान पंकज शर्मा जी
जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और श्रीमान सुहोई खान जी जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भाई विवेक सोलंकी जी जिनके आग्रह पर आप सबके इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी शिक्षक वृंद और सभी वर्तमान और पुरा छात्र जो इस सम्मेलन में इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सब लोगों का एक नाते से मैं अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये नोएडा मेरे क्षेत्र में आता है, चुनाव क्षेत्र में आता है, यहाँ के शिक्षकों ने भी मुझे वोट दिया निर्वाचित होने में। बच्चों, जब पूरा छात्र सम्मेलन होता है तो एक तरह से उससे प्रेरणा, नए छात्र होते हैं उन्हें तो प्रेरणा लेनी होती है कि देखिए ये वो बच्चे हैं जो इसी विद्यालय से पढ़कर गए थे और आज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस विद्यालय का, यहाँ के अध्यापकों का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनसे प्रेरणा लेने के लिए, नए बच्चों को मिले, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कुछ ऐसे मूर्धन्य छात्र आए होंगे जिन्होंने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनका परिचय यहाँ आएगा। मैं थोड़ा विलंब से आया और मुझे आगे जाना भी है कार्यक्रमों में, इसलिए मैं नहीं जान पाया, परंतु मैं ये अवश्य विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भवन उतना ही दृढ़ होता है जितनी उसकी मजबूत नींव होती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी अच्छी नींव रखी जाती है, उन्हें अच्छे संस्कार मिलते हैं। यहाँ केवल सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं कराया जाता, विषयों का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि सफलतम और श्रेष्ठ जीवन जीना भी सिखाया जाता है। इन विद्यालयों से सीखकर निश्चित ही आप सब लोगों ने अपने जीवन को सफल किया होगा। वैसे उद्धरण जरूर आप में से कुछ लोग यहाँ सुनाएंगे, ताकि हमारे इस विद्यालय के बच्चों को इससे प्रेरणा मिले और वो भी अपने भविष्य को निर्धारित करने में इन अनुभवों की मदद लेंगे। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश ने अपने देश पर ऐसे लोगों के आक्रमणों को झेला जिन्होंने केवल राजनीतिक नहीं तो सांस्कृतिक रूप से भी अपने विचारों को हम पर थोपा, अपने ज्ञान को हमें दर्शाने का काम किया और ये एहसास कराया कि जैसे भारतीयों को नॉलेज कम है, उनको नॉलेज ज्यादा है, और उनसे नॉलेज पाने के लिए हम लोग प्रयासरत होने लगे और उन्हीं की संस्कृति में पलने बढ़ने लगे। परिणाम ये निकला कि मैं भी कल परसों का अखबार देख रहा था, 28 से 30 बिलियन डॉलर भारतवर्ष से फीस के रूप में विदेशों में चले जाते हैं। जब मैं इसकी रुपए में गिनती करने लगा तो अरबों से ऊपर निकल गई। इतने रुपए भारतवर्ष से प्रतिवर्ष फीस के रूप में विदेशों में जा रहे हैं, और केवल एक मानसिकता हमारी बना दी गई, एक मानसिक सेट बना दिया गया कि विदेशों में अच्छी शिक्षा है। यहां के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो गर्व से बताते हैं कि मेरा बच्चा यूएसए में पढ़ रहा है, मेरा बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है, मेरा रशिया में पढ़ रहा है। पर उनकी पढ़ाई का लेवल क्या है कि जो बच्चे वहां पर जाकर एमबीबीएस क्वालिफाई करते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वहां आने के बाद उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने के लिए यहां का एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। उसे क्वालिफाई करने का रेट आपको पता है क्या है? 0.5%। 0.5% यानी यदि वहां से 100 बच्चे, बल्कि 200 बच्चे यदि एमबीबीएस क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो भारत में एक बच्चा यहां प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, 200 में से एक। ये रेशियो है वहां की एजुकेशन का, लेकिन हमें लगता है कि एजुकेशन वहां अच्छी है। आपने देखा होगा कि अभी जब यूक्रेन का और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने अपने देशवासियों को वहां से वापस अपने देश लाने का काम किया। दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री मोदी थे।
और वो सीन भी आपको याद होगा कि दोनों देशों से सहमति बनवा ली कि जिस गाड़ी पर भारत का झंडा लगा होगा, ये जो व्यक्ति हाथ में भारत का झंडा लेकर चल रहा होगा उसे कोई टच नहीं करेगा। तो उस कारण से अड़ोस पड़ोस के देशों के लोग भी, पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग भी, बांग्लादेश के लोग भी भारत का झंडा हाथ में थाम कर अपनी जान बचा कर निकले। लेकिन उससे एक ध्यान में आता है कि 24,000 बच्चे एक ही देश में वहाँ पढ़ रहे थे, MBBS के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे, फीस के रूप में कितना पैसा वहाँ जाता होगा, और केवल एक मानस बन गया कि हमें वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, जबकि वहाँ से अच्छी शिक्षा भारतवर्ष में है। यहाँ के अध्यापक, यहाँ का सिलेबस, यहाँ के विचारक, यहाँ के समाजशास्त्री ये बेहतर शिक्षा देते हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान ऐसा बन गया, उसके कारण से हमें बड़ी हानि भी उठानी पड़ी। आप सब बच्चे बैठे हो, इस विद्यालय के बच्चे तो बता देंगे क्योंकि यहाँ से वो सब सिखाया और बताया भी जाता है, लेकिन यदि मैं बाहर के विद्यालय में पूछता हूँ कि अच्छा कोई बताओगे, अच्छा शिक्षक ये बता दें कि न्यूटन के अलावा कोई और भी भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो बहुधा लोग नहीं बता पाते। यदि मैं कहूँ कि भाई कण की, पार्टिकल की खोज सबसे पहले भारत के किस वैज्ञानिक ने की थी, दुनिया के वैज्ञानिकों में सबसे पहले भारत के वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम क्या था, लोग नहीं बता पाते। वो महर्षि कणाद थे जिनका नाम ही कणाद पड़ गया, जिन्होंने पार्टिकल की खोज की थी, और जिनके बारे में मैंने पहले बताया, महर्षि भास्कराचार्य थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी की जानकारी दी थी, और केवल पृथ्वी के बारे में नहीं सारे ग्रहों के बारे में बताया था कि सब अपने अपने गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए अपनी कक्षा में स्थित हैं, आपस में टकराते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, उनकी आपस में दूरी, कितनी गति में वो अपने कितने दिनों में अपना चक्र पूरा करते हैं, और उनके कारण जो हम पंचांग बनते हैं आज हमारे, ज्योतिष के पंचांग जिन्हें आप बोलते हो, वो पंचांग जिनके आधार पर बनते हैं, वैसा गणित तैयार करने का काम, कि यानी आप यदि आज जानना चाहें कि अगले साल सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, तो आपको अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी भी 10 या 15 दिन पहले बताएगी, या महीने पहले बता देगी कि सूर्य ग्रहण तब पड़ेगा, उस दिन पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, फलां फलां स्थान पर दिखाई देगा। लेकिन भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने वो विधि विकसित की थी जैसे हम ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष में पंचांग में आता है, वो पंचांग में आप पंचांग की कैलकुलेशन के अनुसार, जिन ज्योतिषों के मैं नाम ले रहा हूँ इनके अनुसार, आप 500 साल बाद भी सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन आज बता सकते हो, और वो एक्यूरेट होगी, उसमें एक मिनट भी इधर उधर नहीं होगा। यानी सारे ग्रह भी उनके कितनों हजारों साल तक कैलकुलेशन भारत के वैज्ञानिकों ने की होगी कि हजारों साल में ये ग्रह कितनी गति से कब कैसे चलते हैं, तब उसके बाद वो सिद्धांत दिए कि आज हम और आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम वो भारतीय हैं जो 500 साल बाद भी बता सकते हैं कब कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा ग्रह होगा, क्या गणित होगा, क्या स्थिति बनेगी, वो बता सकते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष बहुत आगे था, फिर से भारत विश्वगुरु बन सकता है यदि आप सब लोग भारत की तरफ मुड़े तो। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो भारतीयों को नहीं थे, भारतीयों ने दुनिया को ना दी हो, दुनिया को देने का काम भारतवर्ष ने दिया ज्ञान। विश्वगुरु ऐसे नहीं थे, किसी पूजा पाठ के कारण नहीं थे, केवल नॉलेज के कारण, हर क्षेत्र की नॉलेज, विज्ञान की बारीक से बारीक विधाओं की जानकारी रखने वाला भारतवर्ष, और भारत के लोग, भारत के वो साधक जिन्होंने दुनिया भर को ज्ञान दिया। आप सब लोग भी निश्चित रूप से इन चीज़ों से अवगत होंगे, और आप भारतवर्ष को फिर से विश्वगुरु बनाने का संकल्प आप लोग लीजिए। ये युवा शक्ति यहाँ बैठी है, आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, सैकड़ों साल बाद उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया था, युवा ही देश में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी उम्र और हमारी उम्र के बाद के व्यक्ति धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी इनमें ढलने लगते हैं, और इनके कारण से बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश अपने पास बचती नहीं। लेकिन आपकी उम्र ऐसी है कि आप लोग संकल्प ले सकते हो कि मुझे देश को आगे ले जाना है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो आगे जा सकता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो दुनिया में नाम रोशन कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी और APJ अब्दुल कलाम जी या योगी जी को तो आपकी जैसे जितने साधन आपको मिले, इतने साधन भी नहीं मिले पढ़ने के लिए, हम और आप जानते हैं, इसलिए कभी ये रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे पास ये साधन नहीं है, उनके पास तो ये साधन है, वो तो इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके तो माता पिता रईस हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता जी। जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत है वो आगे जाता है, जिसने संकल्प कर लिया कि मुझे आगे जाना है तो वो आगे ले जाकर रहता अपने आप को। मैं भी सामान्य समाज से निकल कर आया हूँ, सामान्य परिवारों से, मेरे बच्चे जरूर सरस्वती विद्या मंदिरों में पढ़े, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ा हूँ, लेकिन आज 9 जिले का MLC हूँ, 9 जिले के शिक्षकों का MLC, शिक्षकों के द्वारा चुना हुआ हूँ, जो यहाँ अलीगढ़ हमारे बुलंदशहर से लेकर सहारनपुर तक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, उस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हूँ, और मेरे जैसे लाखों लोग हैं, लाखों लोग
जिन्होंने चाहा कि हमें कुछ करना है तो वो कर पाए, आप भी कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। मैं आप सबसे भी, जो बच्चे पहले यहाँ पढ़ के गए उनसे भी, उनका भी आह्वान करता हूँ, जिस भी क्षेत्र में आप हों, जो भी काम जिस भी फील्ड में आप कर रहे हों, बेहतर और ईमानदारी से करने का संकल्प लीजिए कि हम बेहतर ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे और देश को आगे ले जाने में कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों को उदाहरण मिलते हैं, देश आगे जाएगा तो हम सब आगे जाएंगे। देश में कैसी संस्कृति डेवलप हो गई, सबने मिलावट शुरू कर दी। किसान है वो अधिक से अधिक पैदावार हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा खाद और ऐसी चीजें डालेगा कि अपने लिए तो भले एक अलग खेत में बोले लेकिन बाकी खेत में भाई किसी दूसरे को बेचना है, ये ज्यादा इसमें ज्यादा पेस्टिसाइड लगा हुआ है इसे बाहर बेच दो। क्यों? बाहर जो लोग खाएंगे वो हमारे देश के नहीं है, वे हमारे बच्चे नहीं है। फिर दूध हमें मिलेंगे तो दूध में जो ओरिजिनल दूध होता था उसकी जगह अब उससे दूध बनाने लगे, यूरिया से दूध बनाने लगे, कपड़े वाले मिलावट करने लगे, कपड़ा जो किसी कंपनी का हर स्टैम्प किसी और कंपनी का लगा देंगे। एक कल्चर ऐसी बन गई पूरे देश में, हर व्यक्ति नंबर दो का काम करना तैयार कर रहा है, नंबर एक में करना नहीं चाहता, नंबर दो में करना चाहता, उसे लगता है इससे मुझे ज्यादा आमदनी होगी। आज जब लोगों के पास पैसा नहीं था वो शुद्ध खाना खाते थे, आज अब सबके पास पैसा है लेकिन किसी को शुद्ध खाना नहीं मिलता, सब अशुद्ध खाना खा रहे हैं, कोई अपने बच्चों को शुद्ध खाना नहीं दे पा रहा। क्यों? सब तो दूध पैदा कर नहीं सकते, उन्हें बाजार से दूध लाना है, जैसा मिल रहा है वैसा पिला रहे हैं, सभी अनाज पैदा नहीं कर सकते, जैसा मिल रहा है वैसा खिला रहे हैं। और पहले गांव में मोटा अनाज खाते थे, आज तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोटे अनाज की आवश्यकता है वो खाने चाहिए। हमारे देश में रोग बढ़ रहे हैं, लोगों के शरीर रोगी हो रहे हैं तो मोटे अनाज की तरफ लौट है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय खाद्य जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनकी ओर लौट है, यहाँ की औषधि है तो जो परंपराएं थी उनकी ओर लौट है, आयुर्वेद ने जो औषधि बनाई वो ऐसी थी जो अपना साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब एलोपैथी की तरफ हम लोग इतने ज्यादा चले गए, आयुर्वेद हमारा गुम होता चला गया। पहले हमारी दादी अम्मा बाबा वो दवाई बता देते, खांसी हो रही है चलो ये अदरक दवा लो खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब हमें डॉक्टर के पास जाए बिना बात नहीं बनती। डॉक्टर 500 रुपए से नीचे लेता नहीं, 500 रुपए की फीस लेगा तब प्रेस्क्रिप्शन लिख के देगा। तो हम लोग जरा अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे तो ठीक रहेगा। आप सब लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सब लोग निश्चित रूप से, जैसे हम अपने जीवन में ये देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष 13वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, आप ये संकल्प लें कि आपके जीवन में निश्चित रूप से भारतवर्ष दुनिया में नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनेगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। धन्यवाद श्री चंद शर्मा जी का। शब्दों में रखो तो अलंकार है यह, मन से लगाओ तो श्रृंगार है यह, पर पास आकर आंखें मत दिखाना, पर पास आकर आंखें मत दिखाना, कहीं जल गए तो अंगार है यह। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करूंगा श्री 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 सुदेश यादव जी का कि वह आए और अपनी कविता पाठ हम सभी के मध्य करें। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश विदेश में ख्याति प्राप्त गाजियाबाद की तपोभूमि से हम सभी के मध्य श्री सुदेश यादव जी। मैं बहन श्रुति जी से भी आग्रह करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां आप लोगों ने बजाई, इसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिएगा, अब उन हाथों को एक बार तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। आने वाले 10-15 मिनट बस ऐसे ही मुझे थोड़ी सी तालियां बजाते रहिएगा, चाहे बाद में विकास भाई खाना मत देना, बस ये तालियां अगर मिल जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं भैया, कभी चाहे बेचारा बिना माइक के भी खड़ा रहे, कवित्री की व्यवस्था पहले करी जाती है। लेकिन सीधे सीधे आप तक पहुंचना चाहूंगा और इतना शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने सजाया, पूर्व छात्र परिषद के जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहां पर कार्यकारिणी बैठी है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इतने अच्छे लोगों के, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच यहां पर आज आमंत्रित किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, आयोजक समूह के लिए एक बार बजा दीजिएगा। ये लोग मन से अच्छे से तालियां बजा रहे हैं, ये वाला मोहल्ला ना थोड़ा सा खामोश है, आप लोग भी थोड़ा सा मन से जुड़ जाओगे। हाँ,
बताना चाहता हूं भैया, इसकी आवाज अगर थोड़ी बहुत और बढ़ सकती हो तो बढ़ा देना, जितनी बढ़ सकती हो उतनी बढ़ा देना। इतना अच्छा कार्यक्रम आज युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया, इतने अच्छे आपके पास बांसुरी वादक, इतने अच्छे गीतकार, और एक और भाई अभी हमारे बीच में आएंगे मिमिक्री आर्टिस्ट, इतने सब लोग हैं, तो कवियों को आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी यहाँ पर मुझे बुलाने की, श्रुति जी को बुलाने की, क्या करती है कविता, क्या कविता ने दिया है देश को। कहीं मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं, हमारे कुल के बड़े आदरणीय दादा सुनील जोगी जी ने कहीं लिखा था, क्या होती है कविता बताना चाहता हूं, और आगे से पीछे तक अगर एक एक व्यक्ति सहमत हो जाए तो फिर दोनों हाथ खोल के मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपके बीच में एक छोटा सा सूक्ष्म सा कवि सम्मेलन प्रारंभ करने की कोशिश करूंगा। क्या किया कविता ने, कि वो कविता थी जिसने गौरी को, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता थी जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, रंगों में अगर मिल जाए तो कविता होरी हो जाती है, माँ का स्वर इसमें मिल जाए कविता लोरी हो जाती है, माँ का स्वर इसमें मिल जाए कविता लोरी हो जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान, कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। और ये श्रुति जी को आमंत्रित किया विकास भाई ने, मुझे आपके बीच में बुलाया, क्यों बुलाया, कि ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, कि ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं, हे तुलसी सूर कबीरा के वंशज इनका वंदन करिए, और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए, और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आप लोग मन से जुड़ गए हो, जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे मैं अपनी सुनाऊंगा ही नहीं, लेकिन काफी अच्छे से आप लोग सुन रहे हो, और फिर भी जो बीच बीच में खामोश है उन लोगों को बता दो कि ये मैं आपको बड़ी छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूं। अभी पीछे मुंबई एक कवि सम्मेलन में जाना हुआ, वहां पर एक कवि महोदय आए, उन्होंने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए एक वीआईपी, चल बस ना आपकी बात नहीं कर रहा हूं दादा, अब भाई साहब वीआईपी चल बसे तो पुलिस पकड़ के ले गई कवि को, जज साहब के सामने पेश किया गया, जज साहब ने कहा अरे ओ दुष्ट कवि, तेरी कविता सुनकर एक वीआईपी चल बसा, एक श्रोता चल बसा, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस कवि ने जो अपनी अंतिम इच्छा बताई, अगर कहीं वो अंतिम इच्छा आप लोगों तक पहुंचे तो अपने हाथों को खोलिएगा, उस कवि ने कहा कि जज साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक बार वही वाली कविता आपको भी सुनाना चाहता हूं। बहुत। तो भैया वो वाली कविता यहाँ पे तो नहीं सुनानी पड़ेगी ना, एक बार दोनों हाथ खोल के मन से जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना है आप लोगों को। और मैं अभी आपके बीच अपना काव्य पाठ करने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ था, मैं भूमिका बनाने के लिए खड़ा हुआ था श्रुति शर्मा जी की, जो कि हमारे बीच में हापुड़ की सरजमी से चलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक महनीय कवयित्री हैं जो धीरे धीरे काव्य मंचों पर अपनी पकड़ बनाती जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका छोटा भाई हूं स्वदेश यादव, मुझे जिस मन से जैसे आपको सुनना हो उस तरीके से सुनिएगा, मैं फिर भी अपना काम चला लूंगा, लेकिन जब आप इन्हें सुनेंगे तो थोड़ा सा अपना अतिरिक्त मन दीजिएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसे आप लोगों का थोड़ा अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें थोड़ा सा मन से सुन लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका बच्चा खुशा मन हो वो मुझे दे दीजिएगा। मैं चार पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार इनके आमंत्रण में आपको जोरदार तालियां बजानी है, बताना है कि आप अतिथियों का सम्मान, उनका सत्कार कैसे करते हैं, कि हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है, हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है, पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है, और कभी स्वर कोकिला
आशा लता मंगेशकर बनकर ये बेटी बोलती जब है तो हिंदुस्तान सुनता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा, श्रुति शर्मा जी आए और आकर आपके बीच में अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत मैं माँ शारदी को प्रणाम करती हूँ, स्वाभिमानी मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वरिष्ठ कवि का और चार पंक्तियाँ इनके सम्मान में रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारे शब्दों के तीर आसमां छूते हैं, तुम्हारे शब्दों के तीर आसमां छूते हैं, तुम उठा लो कलम तो वो चीख देते हैं, तुम्हारे शब्दों के तीर आसमां छूते हैं, तुम उठा लो कलम तो वो चीख देते हैं, तालियों की झंकार से रोशन हर शाम होती है, तालियों की झंकार से रोशन हर शाम होती है, तुम्हारे काव्य के पैगाम में देश की शान होती है। बहुत बहुत क्या कहने, धन्यवाद, बहुत बहुत। और अब आपके बीच बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या लिखती हूँ, तो सुनिएगा। मैं हिंदुस्तान की माटी का गौरव गान लिखती हूँ, मैं हिंदुस्तान की माटी का गौरव गान लिखती हूँ, है ऋषियों की धरा इसको मिला वरदान लिखती हूँ, है ऋषियों की धरा इसको मिला वरदान लिखती हूँ, जहाँ हो भारती की आरती हर देह हर मन में, मैं सी मात की हुंकार जय जयकार लिखती हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद। मैं हिंदी मात्र की हुंकार जय जयकार लिखती हूँ। नारी शक्ति हमारे बीच बैठी हुई है, चार पंक्तियां, कुछ पंक्तियां इनके लिए रखती हूँ, समर्पित करती हूँ, सुनेगा। बेटी हो कोई पाप नहीं, बेटी हो कोई पाप नहीं, कन्या हो कोई श्राप नहीं, बेटी हो कोई पाप नहीं, कन्या हो कोई श्राप नहीं, जीवित हो कोई लाश नहीं, जीवित हो कोई लाश नहीं, वंश नहीं तो अंश तो हूं, वंश नहीं तो अंश तो हूं, बेटा ना सही, बेटा ना सही, बेटी बनाकर पालो तुम, बेटा ना सही, बेटी बनाकर पालो तुम, थोड़ी आजादी थोड़ा प्रकाश मेरी तरफ तो डालो तुम। क्या कहने, थोड़ी आजादी थोड़ा प्रकाश मेरी तरफ तो डालो तुम, थोड़ा विश्वास करो तुम तो, थोड़ा विश्वास करो तुम तो, मैं मैरी कॉम बन जाऊंगी। वाह। थोड़ा विश्वास करो तुम तो, मैं मैरी कॉम बन जाऊंगी, बात आई सम्मान की तो मैं चंडी रूप धर जाऊंगी। वाह। बात आई सम्मान की तो मैं चंडी रूप धर जाऊंगी, घर का आंगन लांग कर, घर का आंगन लांग कर बॉर्डर पर जा डट जाऊंगी, और देश पर मिटकर मैं भी अपना नाम अमर कर जाऊंगी। क्या कहने, और देश पर मिटकर मैं भी अपना नाम अमर कर जाऊंगी, जिंदी जीवित वापस लौटूंगी, जीवित वापस लौटूंगी या ध्वज में लिपट कर आऊंगी, जीवित वापस लौटूंगी या ध्वज में लिपट कर आऊंगी, देश पर मिटकर मैं भी इतिहास अमर कर जाऊंगी, देश पर मिटकर मैं भी इतिहास अमर कर जाऊंगी, खोलो बेड़ी पैरों की तुम, खोलो बेड़ी पैरों की तुम, शक्ति तुम्हें दिखाऊंगी, खोलो बेड़ी पैरों की तुम, शक्ति तुम्हें दिखाऊंगी, महाभारत का इतिहास तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगी, महाभारत का इतिहास तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगी, मत भूलो प्रण द्रौपदी का, मत भूलो प्रण द्रौपदी का, मैं लहू से केश धुलाऊंगी, मत भूलो प्रण द्रौपदी का, मैं लहू से केश धुलाऊंगी, मत भूलो झांसी की रानी, मत भूलो झांसी की रानी, मैं स्वाभिमान पे मिट जाऊंगी। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। आपके बीच रखती हूँ केश का क्या होता है, श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार आपके बीच रखती हूँ, केश का त्याग है, बलिदान है, इश्क क्या है। नहीं मैं रुकूं बड़ी तेरी, नहीं राधा मुझे बनना, नहीं मैं रुकूं बड़ी तेरी, नहीं राधा मुझे बनना, बहना साथ जो तेरे वही धारा नहीं बनना, बहना साथ जो तेरे वही धारा नहीं बनना, बजे मुरली की धुन तेरी हृदय अनुराग हो जाए, बजे मुरली की धुन तेरी हृदय अनुराग हो जाए, तुझी में शाम हो मेरी तू ही श्रृंगार हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। शाम हो मेरी तू ही श्रृंगार हो जाए, तेरे बिन
जो सुनी है वही बेला नहीं बनना, तेरे बिन जो सुनी है वही बेला नहीं बनना, जो तेरे बिन अधूरा है वही मेला नहीं बनना, जो तेरे बिन अधूरा है वही मेला नहीं बनना। सजी मेरी मोह की कश्ती किनों का पार हो जाए, सजी मेरी मोह की कश्ती किनों का पार हो जाए, तेरी मीरा बनूं मैं ही मेरा तू शाम हो क्या जाए। कहने वाह, तेरी मीरा बनूं मैं ही मेरा तू शाम हो जाए। चार पंक्ति आपके बीच रखती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। यहाँ युवा बैठे हुए युवा दिवस हम मना रहे हैं, तो चार पंक्ति समर्पित करती हूँ आपको, सुनिएगा। कि उड़ती हवाओं का रुख मोड़ देंगे, वाह, उड़ती हवाओं का रुख मोड़ देंगे, दुश्मन के उठे हाथ तो वो हाथ तोड़ देंगे। क्या कहने, जिंदाबाद। उड़ती हवाओं का रुख मोड़ देंगे, दुश्मन के उठे हाथ तो वो हाथ तोड़ देंगे, देशभक्ति की रोशनी मन में जलाए रखकर, देशभक्ति की रोशनी मन में जलाए रखकर हम इंद्रधनुष में भी तिरंगा जोड़ देंगे। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। हम इंद्रधनुष में भी तिरंगा जोड़ देंगे। बहुत सुंदर आपने सुना, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बीच में आमंत्रित करती हूँ अपने वरिष्ठ कवि, आइए इनके बारे में क्या ही, के उपस्थिति के बारे में क्या ही शब्द दूं मैं। वरिष्ठ कवि ने दिल जीत लिया मेरा। दाढ़ी मूछी आई है, उम्र इतनी नहीं है मेरी भी अभी। मैं पहले सुना वरिष्ठ कवि तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद कोई और भी आए हुए नहीं, लेकिन बहुत शानदार पढ़ा और इतने शानदार काव्य पाठ के लिए आपकी तालियां पर्याप्त नहीं थी। एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिएगा। और चूंकि आज युवा दिवस है और ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका बनाने का समय भी नहीं है, विकास भाई ने जितना समय दिया है कोशिश करूंगा कि उसी के अंदर अंदर अपने काव्य पाठ को मैं समाप्त करूं। युवा दिवस के चार पंक्तियां युवा दिवस के लिए आप देख लीजिएगा, यहां पर तमाम युवा मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। मेरी चार पंक्तियां विकास भाई जो सबसे ज्यादा वायरल हुई वो आपके बीच में रखता हूं, और अगर पहुंच पाऊंगा तो फिर कुछ और आपके बीच में रखूंगा। देखना चाहता हूं किस मन से आप सुनेंगे, किस मन से स्वीकार करेंगे। क्या होता है भारतवर्ष का युवा, परिभाषा देता हूं चार पंक्तियों में, संभालिएगा। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। पीछे भैया कहीं भी बैठ जाओ, क्योंकि जिन्हें आप ढूंढ रहे हो वो आज आए ही नहीं है। भाई तब से कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप भी सुन लो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, 10-15 मिनट बस आपके बीच में रहूंगा, थोड़ा सा मन से, क्योंकि बार बार आप इधर उधर होते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो हाँ जी, स्वागत है। अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, और मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और चार पंक्तियां और संभालिएगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, सर बैठे हुए हैं आपके साथ, मुझे प्रथम वर्ष करने का सौभाग्य मिला हेमचंद सर, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि आज की किसी को भी अपनी फोटो चाहिए तो वो इनसे ही मिलेगी। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना। तब पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा,
मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। हालांकि इन पंक्तियों के लिए आपकी तालियां पर्याप्त नहीं थी, अपनी तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा। आगे और आपको अपने हाथों को खोलने का मौका दूंगा, चार पंक्तियां और देना चाहता हूं। ये तो मैंने उन विद्यार्थियों की, उन युवाओं की बात की जो यहां पर बैठे हुए, जो सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलों से पढ़ते हैं और यहां पर हमारे आदरणीय गुरुजन बैठे हुए, इनसे संस्कार लेते हैं। लेकिन एक दूसरी पीढ़ी है, दूसरी प्रजाति भी हमारी समानांतर चल रही है, उसके विषय में बताना चाहता हूं। और बताना चाहता हूं कि आज देश को किस चीज की आवश्यकता है, भारतवर्ष को किस चीज की आवश्यकता है, राष्ट्र को किस चीज की आवश्यकता है। आप तक अगर बात पहुंच जाए तो इस उत्सव को बहुत सब में तब्दील कर दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक मातृ भारती का किया, कि निज रक्त से तिलक मातृ भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। निज रक्त से तिलक मातृ भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए वा, बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए वा, बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक पहुंचना चाहता हूं और देखना चाहता हूं किस मन से आप जुड़ेंगे। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, बिल्कुल ताजी पंक्तियां हैं, बिल्कुल नया लिखा है, पहली बार आपके बीच में आज पढ़ूंगा। और आज इस चीज का भी यहां पर देखना है मुझे ये कि इन पंक्तियों को आगे भारतवर्ष में पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता। आपसे देखना चाहता हूं, आपसे अपनी कॉपी चेक करवाना चाहता हूं किस मन से आप सुनेंगे, क्या पंक्तियां सार्थक हुई है नहीं हुई है आपको बताना। मैं बिल्कुल नई पंक्तियां आपके बीच में पढ़ रहा हूं। कैसे होते हैं भारतवर्ष के लोग, और जब इन पंक्तियों को लिख रहा था कहीं मेरे जो दिमाग में मेरे मन में आप लोग चल रहे थे तब पंक्तियां लिखी गई, और अगर लगे कि बिल्कुल सार्थक लिखा गया है तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा और तालियों का एक विस्फोट होता हुआ देखना चाहूंगा। कैसे होते हैं सरस्वती विद्या मंदिरों से निकले हुए बच्चे, यहां के छात्र, भैया ये बच्चा तो हेलो आवाज आ रही है आप लोगों तक? नहीं, वो दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई। क्या है कि हम जैसे कई बार होता है कवि सम्मेलनों में कुछ कवि होते हैं मंच से एकदम चिपक जाते हैं, तो दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है माइक बंद करवा दो, दूसरा गले में जाके माला डालो और बोलो भाई कितना पड़ेगा बैठ जा। तो ये सारे तरीके भी होते हैं। मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई कवि सम्मेलन सुनने वाला व्यक्ति बैठा होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं पहुंचना चाहता हूँ, ये बच्चा बड़ी देर से यहाँ पे इधर उधर घूम रहा है, स्टेज पे भी कूद के गया, तो थोड़ा सा इसके माता पिता जहां पे बैठे हों संभाल लें इसे, क्योंकि भैया ये हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन ऐसे ही कूदते फांदते रहे तो मेरा वर्तमान चौपट कर देंगे। और मुझे याद आता है भैया, मैं तो गाजियाबाद से आपके बीच में आया हूं, मेरे घर के बराबर में एक रामलाल अंकल रहते हैं, उनका बच्चा इससे थोड़ा सा बड़ा है, उसका रिजल्ट आया। पिताजी ने पूछा बेटा क्या रिजल्ट रहा, बोला पिताजी स्कूल में जो मास्टर जी हैं उनका बेटा फेल हो गया। पिताजी ने कहा बड़ी गलत बात है, लेकिन तू बता तेरा क्या रिजल्ट रहा। बोला पिताजी जो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनका बेटा भी फेल हो गया। पिताजी ने कहा ये तो और भी गलत बात है, लेकिन बेटा तू बता तेरा क्या हुआ। बोला पिताजी जो हमारे इलाके के पार्षद अंकल है उनका बेटा भी फेल हो गया। पिताजी ने कहा उन सबसे मुझे क्या मतलब है, तू बता तेरा क्या रिजल्ट रहा। बोला पिताजी जो वहां के विधायक अंकल है ना उनका बेटा भी फेल हो गया।
पिता ने कहा उन सबको गोली मार बाहर में जान दे, तू बता तू पास हुआ के नहीं। बोला तुम कौन से प्रधानमंत्री लाग रहे हो, तुम्हारा भी फेल हो गया। तो भैया बच्चों से तो कोई नहीं जीत सकता, मैं भी हालांकि एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूं तो मेरे को तो ऐसे वाले ही जेल में होते हैं। लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हो और इन बच्चों के होने से ही घर में रौनक भी रहती है। मैं पहुंचना चाहता हूं आप तक, जुड़ना चाहता हूं आपसे। चार पंक्तियां देखिएगा जो कि कहीं आप लोगों के लिए ही लिखी गई कि देश या के धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से ना छूटी कभी आपके कमान है। कि देश या के धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से ना छूटी कभी आपके कमान है। और तन मन धन से सदा ही है समर्पित और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है। कि तन मन धन से सदा ही है समर्पित और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है। और राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वक्त, कि राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वाह, आपसे ही बड़ी माता भारती की शान है। और आपकी वजह से, कि आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है, आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है। और देखिएगा क्या है आप, कि तिरंगे का मान रखें देश का। भैया ये आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा अगर सॉल्व हो जाए तो थोड़ा सा मुझे भी सुन लो, मैं भी कुछ काम की बात कर रहा हूं। कि तिरंगे का मान रखें देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखें देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, मां का दूध कभी बदनाम नहीं करते। कि वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, मां का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते। और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु, समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु, दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु, दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुना। और चार पंक्तियां और देखिएगा क्या है भारतवर्ष का इतिहास। देखो भैया बहुत सारे कह रहे होंगे चार चार पंक्तियां करके कम से कम 36 पंक्तियां पेल दी, लेकिन आप खुद सोचो अगर मैं शुरुआत में ही आके कहता कि भैया आपके बीच में 82 पंक्तियां पढ़ूंगा तो क्या सुनते हैं। तो ये मजबूरी है कि चार चार कह के आपको सुनानी पड़ रही है, लेकिन आप बहुत मन से सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिएगा, क्योंकि ये जो कवि सम्मेलन होते हैं एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। भैया आपकी मूंछें बहुत शानदार लग रही है। नहीं मैं मजाक नहीं, सही में बहुत शानदार लग रही है, मैंने दो तीन बार रखी, मेरी एक साइड से हाथ ही नहीं है। और जब रखी थी तो विकास भाई हमारे शिक्षक थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, उसके बाद कटवा दी फिर मैंने। तो आपकी बार बार देख रहा हूं मैं और देखता हूं तो लगभग आपके बराबर वाले बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छे आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूं। उससे पहले बताना चाहता हूं कि जो कवि सम्मेलन होता है दो तरफा प्रक्रिया होती है, इसमें जितने मन से जितने उत्साह से और जितनी मेहनत हम मंच पर बैठे हुए कवि करते हैं उतनी मेहनत और उतना ही समर्थन आपको सामने से भी करना होता है। क्योंकि कहीं लिखा गया हमारे कुल के बड़े आदरणीय दादा कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, कि चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों का साथ देना बेहद आवश्यक है, थोड़ा मन से जुड़ जाइएगा। दो चार मिनट और आपके बीच में हूं, उसके बाद फिर अपना स्थान लूंगा। एक विशेष रचना है मेरी, क्योंकि अगले महीने 14 फरवरी को जो एक दंश हमें दिया गया, जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने दिया, हमारे देश के लगभग 44 बेटे शहीद हुए, उस पर मैंने लगभग 1.5-2 मिनट की एक रचना लिखी। तिरंगा जब मैंने देखा उस घटना के बाद तो तिरंगा मुझे 3 रंग में दिखाई नहीं दिया, बल्कि पूरा रक्त रंजित दिखाई दिया, लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई दिया।
तब मैंने तिरंगे से बात करने की कोशिश की, तो जो तिरंगे ने अपनी भावनाएं मुझे बताई मैंने वो अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की। छोटी सी रचना है, वो आपके बीच में रखूंगा, विशेष उसे ही रखने के लिए आया हूं, लेकिन उसकी भूमिका बनाने के लिए सब कर रहा हूं मैं, जिससे कि आप एक बार कविता को सुनने के माहौल में आ जाएं, जिससे कि जब मैं उस कविता को आपके बीच में पढ़ू तो मुझे कोई भी व्यक्ति हिलता हुआ दिखाई ना दे, हर व्यक्ति उस कविता को सुनने की मानसिकता में हो। बस इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। चार पंक्तियां और आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद फिर सीधे सीधे उस कविता तक आपको लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि जब एक वीरस का कवि मंच पर आए और उसकी कविता में उन क्रांतिकारियों की बात ना हो जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने स्वयं के प्राणों को न्यौछावर कर दिया, भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए, तो लगता है कि कहीं कुछ अधूरापन रह गया है। मुझे याद आता है जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए फांसी से एक दिन पहले जेल में पहुंचती है, तो भगत सिंह देखते हैं कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है, तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर यहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर अपने दिलों में जो उनके लिए आदर, उनके लिए जो सम्मान हो, उसे अपनी तालियों में तब्दील करिएगा। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत बल्कि घर जा, घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन कहीं जब ऐसे क्रांतिकारियों को भी पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो फिर लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तब आपका छोटा भाई स्वदेश यादव चार निवेदन आपसे करता है, अगर निवेदन स्वीकार हो जाए तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा, मैं देखना चाहता हूं किस मन से आप सुनते हैं। घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, कि निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना, और खादी और चरखे से कि खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, कि खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना, और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना, चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। यही उम्मीद थी आप लोगों से, उसी मन से आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। और जब चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचाऊं तो एक बात मुझे और याद आती है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपने पाठ्य पुस्तकों में कि जब चंद्रशेखर आजाद को उनके अंतिम समय में जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया अल्फ्रेड पार्क में और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद सामने से अकेले उसका मुकाबला कर रहे थे अपनी पिस्टल से, और अंत में उन्होंने अपनी माउजर से गोली मारी और शहीद हो गए। लेकिन जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो मेरे कवि हृदय में एक प्रश्न उपजा कि क्या ऐसा संभव है कि सौयों अंग्रेजों के सैनिक वहां पर गोलीबारी कर रहे थे और वो लगातार गोलियां चला रहे थे और कोई भी गोली जाकर चंद्रशेखर आजाद को नहीं लगी, क्या ऐसा संभव है? तो जो उत्तर मेरे दिल से निकल कर आया वो उत्तर आप लोगों के बीच में उछालना चाहता हूं। चौथी पंक्ति में उत्तर आपके बीच में आएगा और यह बताने की कोशिश करता हूं कि अगर उन चलती हुई गोलियों ने चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं किया तो उन गोलियों ने आखिर क्या किया, क्योंकि अगर गोलियां चल रही है, बंदूक से गोली निकली है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, तो उन गोलियों का क्या कार्य था, उस कार्य को आपके बीच में रखता हूं। और अगर यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो तो अपने दोनों हाथों को हवा में लहराता हुआ मुझे दिखाई देना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि हां आप लोग मेरी बात से सहमत है। चौथी पंक्ति में ध्यान से सुनिएगा, चौथी पंक्ति में उत्तर आएगा कि क्यों चंद्रशेखर आजाद के सीने को कोई भी गोली छलनी नहीं कर पाई। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां, शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां, और मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने, कि मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां, कि माता भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां, और एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूछों वाली, कि एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूछों वाली, अब भी छपी हुई है दिल में
निशानियां और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुना, और जिस रचना के लिए आपके बीच में मैंने कहा था उस रचना से आपको जोड़ना चाहता हूं। उससे पहले नहीं, अगर मन नहीं है तो आप बता सकते हो, मेरे को वैसे भी यहां पे कोई पेमेंट तो नहीं मिल नहीं रही है। मैं भैया सिर्फ विकास भाई का आप लोगों का प्यार था इसलिए यहां पर आया हूं। आप लोगों को अगर लगता है कि सुनान चाहिए तो एक बार जोरदार तालियां बजा के आदेशित करिएगा। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सिर्फ दो पंक्तियां ये देख लीजिएगा, पूरी कविता की भूमिका इन दो पंक्तियों से बन जाएगी। ये कहीं मैंने पढ़ी थी और उसके बाद फिर मैं अपनी रचना आपके बीच में रखूंगा कि छिपकर वार नहीं होता। सबको उस घटना के विषय में पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि छिपकर वार नहीं होता यदि सिंहों की संतान पर, कि छिपकर वार नहीं होता यदि सिंहों की संतान पर, तो केवल 44 काफी थे पूरे पाकिस्तान पर, केवल 44 काफी थे पूरे पाकिस्तान पर। और अब थोड़ा मन से सुनिएगा कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है। श्वेत के संग रंग, दो घटनाएं घटी, पहली वो और उस एक दूसरी जो घटना घटी वो ठीक उसके 13 दिनों बाद, जब मेरे देश के जांबाज सैनिक उनकी सीमा में घुसे और कई गीदड़ों को मारने के बाद जब वापस लौटे, उसके बाद तिरंगा जब शान से लहरा रहा था, तो कविता का मैंने दूसरा जो भाग उसके बाद लिखा, 1.5 मिनट का पहला भाग है, 0.5 मिनट का दूसरा भाग है, सिर्फ 2 मिनट की कविता है, मन से सुन लीजिएगा। कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया था, श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, चक्र का वह रंग नीला भी कहीं गुम हो गया है, लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तम तमाया, कि लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तम तमाया, आंख से आंसू नहीं था रक्त को उसने बहाया, आंख से आंसू नहीं था रक्त को उसने बहाया, खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है, खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है, खो दिए है लाल इतने और बोलो क्या बचा है, क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, कि क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, या अभी भी अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे हो, शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए हैं, कि शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए हैं, और मुझसे छीन करके लाल मेरे ले लिए हैं, और मुझसे छीन करके लाल मेरे ले लिए हैं, ना कड़ी निंदा कि ना कड़ी निंदा नहीं आलोचनाएं चाहता हूं, और ना ही शत्रु को देना क्षमाएं चाहता हूं, और ना ही शत्रु को देना क्षमाएं चाहता हूं, मेरे जो बेटे मरे, कि मेरे जो बेटे मरे उनकी कोई गलती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है, तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, कि तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, जब तलक के खून के, कि जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, और आता ताइयों को गोलियों से भून दोगे, और आता ताइयों को गोलियों से भून दोगे, और तिरंगा ही ऐसे कहने की हिम्मत कर सकता है, देश के प्रधान को ललकारता हुआ तिरंगा कहना चाहता है। दो पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं, अपने हाथों को खोलिएगा, तिरंगे के साथ खड़े होने की हिम्मत करिएगा, कि तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, और आता ताइयों को गोलियों से भून दोगे, आज मेरे जख्म पर, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना, मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना। और जब देश के प्रधान ने तिरंगे की ललकार को स्वीकार किया और भारतवर्ष के शेरों को पाकिस्तान की सीमा में भेजा,
उसके बाद का दृश्य आप सभी लोग वाकिफ है, तब तिरंगे के परिवर्तित तेवरों को गाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। कि सह चुका था बहुत, अब मैं और सह सकता नहीं था। सह चुका था बहुत, अब मैं और सह सकता नहीं था। बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था। बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था। और सैनिकों को छूट दी, कि सैनिकों को छूट दी पूरी कहानी रोक लाए। सैनिकों को छूट दी पूरी कहानी रोक लाए। मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोक आए। मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोक आए। और अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए। कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए। लिया शहादत का बदला फिर वीर जवान चले आए। और बैठ पाक की गोदी में जो पाक पाक चिल्लाते थे, कि बैठ पाक की गोदी में जो पाक पाक चिल्लाते थे, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए। उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत तेरे माथे पर यह आंचल तो बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पर यह आंचल तो बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इसी भाव को हर औरत, हर महिला व बेटी तक पहुंचाने वाली मैं आमंत्रित करूंगा प्रख्यात समाज विचारक सुबोई खान जी को, कि वह हम सभी को अपने विचारों से सींचे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जो भी आज बोलूंगी कोई भाषण नहीं होने वाला है, एक संवाद के फॉर्म में कम्युनिकेशन। और मैं हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करना पसंद करती हूँ युवाओं के साथ। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि कुछ मिनट जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी की फॉर्म में बताऊंगी, कोई स्पीच की फॉर्म में नहीं बताऊंगी। कार्यक्रम आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर युवाओं के बीच में बुलाने के लिए, खास तौर से युवा दिवस पर। आगे पंक्ति में बैठे हुए वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। सभागार में मौजूद सभी छोटे भाई बहनों को प्रणाम और बहुत बहुत प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। अभी कवि महोदय और कवियत्री महोदया ने कुछ वरदान की बात करी थी, कि हम लोग लकी हैं, ब्लेस्ड हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, ऋषि मुनियों की ये धरती हमें वरदान के तौर पर मिली है। हम लोग 26 जनवरी मना लेते हैं, 15 अगस्त मना लेते हैं, कई बार हम लोग क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देकर सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें कि हमारा देश पूरी तरह आजाद है? क्या हम ये मान लें कि आज हमारे सम्मुख कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी दायित्व, कोई भी कर्तव्य नहीं है जो हमें करना चाहिए? हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, युवा दिवस। अभी शुरू में एक महिला महोदया ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, कि स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन बहुत मशहूर है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। आज हम युवा इस स्थिति में हैं कि लक्ष्य बनाना तो छोड़िए, लक्ष्य बनाने में सोच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लक्ष्य बनाए क्या। कौन वो ताकतें हैं जो हमें कंफ्यूज्ड करती हैं? कौन वो ताकतें हैं जो हमें क्रांतिकारी होने से या स्वतंत्रता सेनानी होने से या देश के, भारत भूमि के पुत्र और पुत्री होने से रोकती हैं? उनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगी। और शायद ये सुनने के बाद आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारण करने में भी मदद मिले। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान पर काम कर रहे हैं और भारत प्रवास पर रहते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, गांव गांव में जाते हैं, भारत के आखिरी गांव तक गए हैं। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है 7 एंटी नेशनल फोर्सेस, 7 भारत विरोधी मानसिकताएं जो भारत के खिलाफ आज भी काम कर रही हैं। वो अपना तन मन धन लगा के भारत के युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा के भारत के बच्चों को भारत से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। कौन वो ताकतें हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को क्विकली बता देना चाहती हूं। आजकल गूगल है,
कुछ बीज डाल के जाऊंगी, आप लोग गूगल करेंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, आपको अपने आप ही कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर बच्चों को मिल जाए तो बाद में सुनने को मिल जाएगा, अदरवाइज किसी के पास अगर पेन और पेपर हो तो सिर्फ वह 7 नाम जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहली भारत विरोधी मानसिकता जो आज भी भारत के खिलाफ काम कर रही है, 21वीं सदी का आक्रमण, 21st सेंचुरी का इन्वेजन जो हमारी मातृभूमि पे आज भी चल रहा है, और हमारा देश रो रहा है कि भारत का एक एक युवा उसके खिलाफ लड़ क्यों नहीं रहा है, वो 7 एंटी नेशनल फोर्सेस के नाम मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहली भारत विरोधी मानसिकता है वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी। वामपंथियों की ही एक विंग है छद्म नारीवादी, सूडो फेमिनिस्ट, जो हमारी बच्चियों को सूडो फेमिनिज्म के नाम पर भड़काती हैं, जो सबरीमाला टेंपल पर ब्लड स्टेन्ड सैनिटरी पैड लेकर जो एक्टिविस्ट पहुंच जाती हैं, हम लोग कई बार टीवी पर देखते हैं। ये हमें ये नहीं बताते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पे पुरुष भी अलाउड नहीं है, भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पे महिला को शक्ति को पूजा जाता है। तो अगर किसी मंदिर में हमें ये कहा जा रहा है कि यहां पे महिला अलाउड नहीं है क्योंकि वो ब्रह्मचारी देवता है, वहां पे महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, तो वहां पर वो सूडो फेमिनिस्ट सैनिटरी पैड लेकर पहुंच जाती है एज प्रोटेस्ट। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि वामपंथी कॉलेज कैंपसेस में घुस गए हैं, ये हमारे बच्चों को युवाओं को इक्वालिटी के समानता के नाम पर भड़काते हैं, लड़ो इक्वालिटी के लिए लड़ो, जाति को जाति से लड़ाएंगे, महिला को पुरुष से लड़ाएंगे। आजकल तो देखिए जेएनयू के कुछ पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं कि लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि लिंग भेद भी कोई नहीं होना चाहिए, अगर मैं लड़का हूं तो मैं स्विम सूट पहन के साड़ी पहनकर भी घूम सकता हूं, क्योंकि युवा मासूम होता है तो युवा को इक्वालिटी के समानता के नाम पर ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं। एक बात मैं आज आप लोगों को सूत्र देकर जाना चाहती हूं कि जो वामपंथी होते हैं उनका केवल नारा समानता होती है, उनकी नियत समानता नहीं होती, वो आपको केवल और केवल इक्वालिटी के नाम पे भड़काते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ आपको समस्या बता के लड़ाने की कोशिश करे और आपको समाधान ना बताए वो कहीं ना कहीं वामपंथी है। आज मैं आपको समस्या भी बताऊंगी और समाधान भी बताऊंगी, आप लोगों की क्या भूमिका होगी वो आप खुद तय करेंगे। पहली भारत विरोधी मानसिकता मैंने आपको बताई कौन है, दूसरे हैं अलगाववादी कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन। ये क्या करते हैं, अब किसी बच्चे को, जैसे मेरा बच्चा भी यहां घूम रहा था या कोई भी युवा यहां बैठा है, किसी को रातों रात तो आतंकवादी बनाया नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं पूरी एक फेज होती है किसी एक हेल्दी माइंड को टेररिस्ट बनाने की, पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले किसी बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है, तुम्हारा पहनना ओढ़ना अलग है, तुम्हारा खाना पीना अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा भोजन अलग है, तुम्हारे कानून अलग हैं, तुम्हारी न्याय प्रणाली अलग है, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था अलग है, जो कुछ भी भारत में चल रहा है उसके पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करेंगे। जब वो बच्चा एक अलगाववादी सेपरेटिस्ट बन जाता है तब सेकेंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाया जाता है, दूसरी स्टेज में उसको बताया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है बाकी सब गलत है, दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा लो, ना इधर देखो ना उधर देखो। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब लास्ट स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है, उस स्टेज में उसको बताया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है और बाकी दुनिया से मनवाना तुम्हारा कर्तव्य है। इस स्टेज में आके वो कन्वर्जन्स करता है, धर्मांतरण करता है, कहीं सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। ये अलगाववादी कट्टरवादी और आतंकवादी जो बना रहे हैं संगठन, ये प्राइमरीली दो रिलीजन्स को टारगेट कर रहे हैं हमारे देश में। एक, मैं मुस्लिम समाज से आती हूं, मेरा नाम सुबही खान है जो बच्चे नहीं जानते हैं, मेरे समाज के बच्चों को सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान की अभी बात हो रही थी कि पहले एक पूरी फौज खड़ी करेंगे, उसको उसी की मातृभूमि के खिलाफ भड़काएंगे, फिर बोलेंगे अलग मजहब के नाम पे एक देश मांग लो, जो पहले भी हो चुका है हमारे देश में, पाकिस्तान ऐसे ही बना था, इस्लामिक स्टेट की मांग ऐसे ही हुई थी और आज भी वो वैचारिक अनुकूलता हमारे देश में चल रही है। तो दो मजहब को टारगेट कर रहे हैं ये सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एक इस्लाम समाज के बच्चे को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं पूरी ये कड़ियां अपनाकर, एक खालसा पंथ के बच्चे को खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ये पूरी सारी कड़ियां अपनाकर।
हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं लेकिन इस्लाम के नहीं, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं लेकिन खालसा पंथ के नहीं, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है। भारत कभी किसी मजहब के खिलाफ हो भी नहीं सकता, भारत इनहेरेंटली एक सेक्युलर कंट्री है। हम केवल और केवल उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो किसी मजहब को इस्तेमाल करके भारत को तोड़ने की तरफ प्रयासरत हैं। तीसरी भारत विरोधी मानसिकता इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बौद्धिक आतंकवादी, वो सुसाइड बॉम्बर बन के नहीं आते हैं, रॉकेट लॉन्चर लेकर नहीं आते हैं, लेकिन वो हमारे इंटेलेक्ट के साथ खेलते हैं। हम किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह के संगीत सुनते हैं, किस तरह के आइडियल्स बनाते हैं, किस तरह के सोशल एक्टिविस्ट्स को फॉलो करते हैं, वो हमारी मानसिकता तय करते हैं। और ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, सूटेड बूटेड हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एकेडमिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, फिल्मों में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, दे आर सो स्मार्ट कि हमें दिखाई नहीं देते। हमें लगता है इतना मॉडर्न इंसान, प्रोग्रेसिव इंसान, ये देशद्रोही कैसे हो सकता है। तो उन इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट से भी हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ, एक क्या करते हैं वो हमें ये नहीं बताएंगे कि ये तिलक किसी मजहब की नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं तिलक भी लगाती हूँ, मैं गले में त्रिशूल भी पहनती हूँ, बिकॉज दिस इज आवर इंडियन कल्चर। मैं आपको मजहब और संस्कृति का अंतर भी बताऊंगी अपने पूरे वक्तव्य के अंत में, लेकिन क्योंकि मैं अभी एंटी नेशनल फोर्सेस के नाम बता रही हूँ तो मैं उसको बीच में ब्रेक नहीं करूंगी। तीन मैं आपको बता चुकी हूँ। चौथी है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वो देश है जो भारत की ताकत पहचानते हैं, वो जानबूझ के हमारे युवाओं को भारत से तोड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कई बार आप देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है देश में, विदेशों से पैसा आने लगता है, फंडिंग हो जाती है, वेबसाइट बन जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत में आपस में लड़के मरो। कोई भी विचारधारा जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जिसको बाहर से एक्सप्लोर ना किया जा सके तो उसको अंदर से इंप्लोर करने की कोशिश की जाती है। जैसे परिवारों में हम देखते हैं कोई बहुत प्यार मोहब्बत वाली फैमिली आपस में मजबूती से लोग रहते हैं, तो बाहर वाले लोग ये सोचते हैं कि इनके आपस में कलेश कराते हैं, आपस में लड़वाओ। तो हमें अंदर से इंप्लोर करने के लिए विदेशी ताकतें पैसा भेजती है भारत में, आपस में सिविल वॉर कराने की हमारे देश में कोशिश की जाती है आए दिन अलग अलग विषयों पर। पांचवी भारत विरोधी मानसिकता है विधर्मी राजनीतिक दल। ये हमारे अपने ही लोग हैं लेकिन सत्ता में रहने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता से हाथ मिला लेते हैं। छठी है कन्वर्जन माफिया। ये लोग कौन है? ये आदिवासी बैंक में जाते हैं, किसी गरीब इलाके में जाते हैं, किसी बेचारे को भूखे को एक हाथ से दो रोटी खिलाते हैं, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देते हैं। फिर हम कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी कोई मजहब खराब नहीं है, लेकिन उस मजहब को इस्तेमाल करके जब आप अपनी मजहब की सत्ता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज दैट रिलीजन, तब वो गलत हो जाता है। अरे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने लहलाते हुए जंगल बनाए हैं, फल फूल शहद नदियां उपजाऊ धरती, पूरे विश्व में सब लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया है, क्या वो किसी को दो रोटी शर्त पे देगा कि पहले मुझे मानो तब तुम्हारी भूख मिटाऊंगा? ईश्वर तो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा केवल और केवल ईश्वर का नाम इस्तेमाल करके जो अपना एजेंडा चलाते हैं इंसान, वो करते हैं। ये कन्वर्जन माफिया भी भारत की गांव गांव में एक्टिव हो गए। जैसे हम लोग प्रवास करते करते पहुंचे कटिहार। कटिहार है नॉर्थ ईस्ट, सब बच्चों ने सुना है, नॉर्थ ईस्ट को का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है कटिहार को। नॉर्थ ईस्ट वो जगह है जहां पे चाइना की चिकन लेग स्ट्रैटेजी है कि अगर कभी आक्रमण करेंगे भारत पे तो उस चिकन लेग से घुसेंगे भारत के अंदर। तो जो जगहें सीमा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर एंटी नेशनल फोर्सेज जानबूझ के बसाई गई है। कटिहार जब हम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में वहां केवल 12 चर्च हैं और एक्चुअली में कटिहार में 200 चर्च ऑपरेट कर रहे हैं, 200 चर्च ऑन द ग्राउंड, और ये एक्चुअली चर्च की फॉर्म में भी नहीं, घरों में बने हुए हैं। तो ऐसे युवाओं को हमारे भ्रमित किया जा रहा है और वो आपको एकदम नहीं बताएंगे कि वो क्यों ये कर रहे हैं। वो ऑन द फेस वैल्यू आपको अच्छे लोग भी लगेंगे लेकिन वो सिर्फ मजहब को इस्तेमाल करके हमारे देश पे एक तरह की अपनी सत्ता और आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमें बहुत ज्यादा सचेत हो जाना है।
सातवीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट भारत विरोधी मानसिकता है कॉर्पोरेट माफिया, बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म। ये वो लोग हैं जो हमें एक पैसा की अंधी दौड़ में बस हमें चीजें खरीदनी है, ब्रांड्स के गुलाम हो जाओ जी, खरीदो खरीदो खरीदो। ये वो लोग हैं जो हमें केवल कंज्यूमरिज्म की जकड़ में रख देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हमारा दिमाग खुले, वो चाहते ही नहीं है कि हमारी चेतना जागृत हो, वो चाहते ही नहीं है कि हम समझें समाज के आगे राष्ट्र के आगे क्या समस्याएं हैं। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, मेडिकल माफिया हैं, बीमारियां ईजाद होती हैं, मार्केट में लॉन्च की जाती हैं, क्योंकि उनको केवल पैसा कमाना है। उनके लिए ह्यूमन लाइफ मैटर नहीं करती है, उनके लिए व्हाट मैटर्स इज मनी। अभी मोटे अनाज की बात आई, भारत में हमेशा मोटा अनाज खाया जाता था और हम लोग सबसे स्वस्थ रेस पूरे विश्व में सबसे स्वस्थ सिविलाइजेशन हमेशा भारत की रही है, हम लोग मोटा अनाज खाते थे। लेकिन धीरे 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 मोटे अनाज को डिफेम किया गया क्योंकि गेहूं लॉन्च करना था। अब गेहूं का क्या है कि गेहूं की लॉन्चिंग नहीं है, गेहूं के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, मुझे किसान भाई ने बताया कि गेहूं की फसल केवल और केवल तब हो सकती है जब उसमें कई राउंड्स ऑफ केमिकल डाले जाए। कई राउंड्स ऑफ केमिकल डालते हैं तब गेहूं की उपज होती है, क्योंकि केमिकल का एक मार्केट क्रिएट करना था। आज यंग मदर्स, मैं 5 साल के बच्चे की माँ हूं, यंग मदर्स अपने बच्चों को मिट्टी में नहीं छोड़ती हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें ये नहीं बताते हैं कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच इज गुड फॉर आर हेल्थ। मिट्टी में खेलने वाले बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन उनको हमारी इम्यूनिटी वीक करनी है, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे तब दवाइयां खरीदेंगे। अच्छा, ये सारी भारत विरोधी मानसिकता हमारे खिलाफ खड़ी क्यों हुई है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। 7 एंटी नेशनल फोर्सेस हमारे खिलाफ काम तो कर रही हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम गुरु जिस कारण थे वो ताकत हमारे पास आज भी है। हम लोगों को लगता है कि सोने की चिड़िया थे, हमारे हीरे जवाहरात ले गए अंग्रेज, तो आज हम विश्वगुरु नहीं है। आज भी हम विश्वगुरु हैं और आज मैं आपको बताने जा रही हूं वो ताकत हमारे पास आज भी है। हम विश्वगुरु सोने की चिड़िया होने के कारण नहीं थे, हम विश्वगुरु थे अपनी प्राकृतिक संपत्ति के कारण। पूरे विश्व में, ग्लोब में भारत ही ऐसा देश है जिसकी 60% भूमि उपजाऊ है। 60% ऑफ आवर लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड। पूरी सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है जिसमें 60% भूमि पर कुछ भी उगाया जा सकता है। दुनिया की कोई फसल ऐसी नहीं है जो भारत में नहीं हो सकती है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु यानी कि गाय केवल और केवल भारत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां केवल और केवल भारत में पाई जाती हैं। विश्व की टोटल बायोडायवर्सिटी, विश्व की पूरी जैव विविधताओं का 16%, पूरी दुनिया का 16% केवल और केवल भारत में पाया जाता है। तो ये ताकतें हमारी आज भी है। आज जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है ना, उसका केवल और केवल प्रकृति ही कारण है। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, देवर इंटरेस्टेड इन द लिथियम रिजर्व्स इट हैड। जिस देश के पास जितनी प्राकृतिक संपत्ति होगी, विश्व की ताकतें उस देश को जकड़ने का, गुलाम बनाने का प्रयास करेंगे। हम प्राकृतिक संपत्ति के तौर पर आज भी विश्व गुरु है, इसलिए हमें दूर किया जाता है। जब कोई गौरक्षा की बात करने लगे कोई बच्चा, तो उसको फौरन कट्टर 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 बोल के उसको डीमोटिवेट करने की, डीमोरलाइज करने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि गाय एटूमेट नाम से फॉरेन कंट्रीज पेटेंट कराने की कोशिश कर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप कर देना चाहती है उस गाय के दूध पर जो हमारी ताकत है, और हम लोगों को दूर कर देना चाहते हैं उस गाय से। तो देखिए, मैंने आपको समस्या भी बताई है कि दीज 7 एंटी नेशनल फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट अस। मैंने आपको समाधान भी बताया है कि गाय की ओर लौटना, प्रकृति की ओर लौटना, जल की ओर लौटना से ही हम वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटेंगे। आज पूरी दुनिया क्लाइमेटिक इमरजेंसी से जूझ रही है, जहां पे बर्फ होती है ठंड पड़ती है, वहां पे 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, कहीं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट इमरजेंसी से जूझ रही है क्योंकि उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया। हम लोगों को स्नेक चार्मर्स कहा जाता था। स्नेक चार्मर्स कहते हमारा मजाक उड़ाते थे क्योंकि हम कहते हैं बंदर मामा, चंदा मामा, गंगा मां,
यमुना माँ, धरती माता, क्योंकि हम लोग प्रकृति को माँ मानते थे, उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, आज वो समस्या से जूझ रहे हैं, तो पुनः विश्व गुरु की तरह अगर हमें स्थापित होना है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। हिंदू, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, गर्व से कहो हिंदू है, कोई मुसलमान बच्चे से बोलो गर्व से कहो हिंदू है तो वो फौरन ऑफेंड हो जाएगा, उसको लगेगा कि अरे मैं तो मुसलमान हूं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों हजारों देवी देवता है हमारे देश में, दो चार और भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू का मतलब होता है प्रकृति प्रेमी, जो अपने आप को शरीर ना माने आत्मा माने वो हिंदू, जो अपने आप को तत्व माने क्षिति जल पावक गगन समीरा, दोस फाइव एलिमेंट्स जिससे हम बने हैं, उन्हीं पांच एलिमेंट से पूरी सृष्टि बनी है, ये हमें हमारे वेदों में सिखाया जाता था हजारों हजारों साल पहले, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे वेदों का ज्ञान है ये, मेरे अंदर वो ब्रह्म विराजमान है, यानी कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मेरे अंदर विराजमान है, तत्त्वमसि तुम्हारे अंदर भी वही है, इसलिए हमें जल बचाना बताया जाता था। 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, यही पढ़ाया जाता है ना, 70% हमारे शरीर का पानी है, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, चेन्नई में 2000 फीट तक नीचे धरती में पानी नहीं है, पंजाब जिसको 5 नदियों की जगह कहा जाता है 700 फीट नीचे तक धरती में पानी नहीं है, कानपुर उत्तर प्रदेश में 200-300 फीट नीचे तक धरती में पानी नहीं है, हम लोग हैंडपंप से पानी निकाल लिया करते थे, इतना ज्यादा प्रकृति द्वारा ब्लेस्ड कंट्री अगर भटक गई है तो ये साफ ताकतें हमारे पर हावी नहीं होंगी तो क्या होगा। देखिए ये लोग हमें बांटना चाहते हैं और उन्होंने हमारा भू मनोविज्ञान पकड़ लिया है। ये एक सूत्र मेरे गुरुदेव माननीय केएन गोविंदाचार्य जी से मुझे प्राप्त हुआ है, अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं था, भारत को तोड़ने के लिए पूरे भारत का उन्होंने सर्वे किया और इनको साइकोलॉजी ऑफ भारत पता चल गया। भारत का भू मनोविज्ञान 4 कारक प्रभावित करते हैं, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लूंगी, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी, ये बात समझेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग क्लैरिटी आने वाली है। आई एम गोइंग टू टेल यू द साइकोलॉजी ऑफ आवर कंट्री। भारत का भू मनोविज्ञान 4 कारक प्रभावित करते हैं, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय। अगर ये 4 कारक एक हो तो ये 700 ताकतें भी हमारा बाल निभा कर सकती, और अगर ये 4 कारक आपस में बटे हो तो ये चारों ताकतें हमारे पर आक्रमण करके विजयी भी हो सकती हैं। हमें ये 4 कारक में कैसे बांटा जाता है, हम लोग जब प्रवास करते हुए पहुंचे पंजाब तो हमें पता चला पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश शौर्य की भूमि है, जितने भी आक्रमण भारत पे हुए पंजाब से होते थे, उसको स्वर्ण आर्म ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी कि घुसने नहीं देते थे आक्रमणकारियों को, इतने फियर्स फाइटर्स उस क्षेत्र के हैं। उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर बांटा गया, आज पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है, हरियाणवी बोलने वाले भाइयों के लिए अलग बना दिया हरियाणा, पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग बना दिया पंजाब। 1966 में 2 स्टेट बनी थी पंजाब हरियाणा, उससे पहले 1 थी, वो पूरी शौर्य का क्षेत्र था, उसको भाषा के आधार पर तोड़ दिया गया। आज पंजाब में खालसा पंथ के भाई बहनों को इतने वो शौर्य पुत्र जो पुत्र और पुत्री यानी गुरु पुत्रों का इतिहास आज भी हम पढ़ते हैं तो बड़ा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। आज पंजाब के उस बच्चों को खालिस्तान बनाने की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, नशे में भोग दिया जा रहा है युवाओं को, इस तरह से पहले भाषा में तोड़ा, अब नशे में डाल के युवाओं को वहां पे बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि शौर्य की भूमि है, फियर्स फाइटर्स हैं वो, वीर कौन है हमारे देश के। जाति के आधार पर हमें अधिकतर तोड़ा जाता है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश को आप कभी भी देखिएगा जातियों में तोड़ने की कोशिश की जाती है, अभी भी हम रायगढ़ में उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आप कभी भी देखिएगा हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कभी भी एलिगेशन लगाएंगे तो जातिवाद का लगाते हैं, हाँ या नहीं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, मैं आपको कारण बताती हूँ, क्योंकि उनको करप्शन में कुछ नहीं कह सकते, कैरेक्टर में कुछ नहीं कह सकते, अब वो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, अब यूपी पूरे भारत में एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा जातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं,
हमारे चीफ मिनिस्टर जातिवादी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भूमनोविज्ञान जातिवाद से प्रभावित होता है। यूपी को हमेशा जाति में तोड़ने की कोशिश की जाती है। संप्रदाय में कैसे तोड़ा जाता है, रिलीजन में हमें पता ही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुसलमानों को अल्पसंख्यक बोला जाता है, माइनॉरिटी बोला जाता है। जब हम कहते हैं मातृभूमि, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मेरे दो भाई हैं, तो क्या मैं अल्पसंख्यक होगी? मैं तो और ज्यादा लाडली हूं ना। अगर मैं इकलौती बेटी हूं कम हूं संख्या में, तो मेरी माँ बाप पिता मुझे ज्यादा प्यार करेंगे। तो 25-30 करोड़ पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की भारत में, लेकिन उनको अल्पसंख्यक बोल के भारत से तोड़ा जाता है। संप्रदाय के नाम पर इस तरह से बच्चों को तोड़ा जाता है। भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय, चार कारक में तोड़ा जाता है। मैंने आपको तीन बता दिए, लास्ट बताकर अपनी बात खत्म करूंगी। क्षेत्र में हमें कैसे तोड़ते हैं इस चीज के, तो हम सभी लोग यहाँ पे कल्प्रिट होंगे। आई कैन गारंटी किसी ना किसी बच्चे ने ये अपराध कभी ना कभी जरूर किया होगा। क्षेत्र में हमें कैसे तोड़ा जाता है, अरे अरे देखो बिहारी आ गया, अरे वो बिहारी बोलते हैं, यूपी के भैये बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी बोलते हैं, पंजाब, अरे 12 बज गए की सरदार आ गया बोलते हैं। इस तरह से क्षेत्रवाद में तोड़ने के लिए, हमारे भाई बहनों को आपस में लड़ाने के लिए कि एक ना हो जाए, जोक्स बनाए जाते हैं, चुटकुले बना के समाज में छोड़ दिए जाते हैं, हम पागलों की तरह जोक्स मार के ताली बजाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने देश को क्षेत्रवाद में तोड़ रहे हैं। आज अगर बंगाल जलता है तो हम दिल्ली में शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है बंगाल से हमारा क्या लेना देना है। आज अगर पंजाब में हमें पता चलता है कि पूरे पंजाब को नशे में झोंका जा रहा है, हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हम तो यूपी में बैठे हैं, यूपी में दंगे होते हैं, तो दिल्ली वाला सोचता है कि मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, हमें ये वॉर गेम समझना होगा। जिस दिन हम ये गेम समझेंगे, तभी हम उसका प्रतिकार कर पाएंगे। अगर हम कहते हैं भारत माता, तो हमारे देश की हर स्टेट हमारी माता का एक अंग है, हमारे घर का एक कमरा है। अगर हम सोचें कि हमारे घर के एक कमरे में आग लग रही है और मेरे बेडरूम में भी लग रही जी, मैं तो आराम से बैठी हूं, तो कभी ना कभी वो आग मेरे कमरे तक भी पहुंचेगी। पूरे भारत में कहीं भी कुछ भारत विरोध हो, कहीं भी किसी भाई बहन को किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, तो पूरे भारत से आवाज आनी चाहिए। राष्ट्र जागरण अभियान के दो प्राण वाक्य हैं, जिसमें ये पूरा विजन समाता है, एकात्मता का एहसास, आक्रमण का प्रतिकार। हमें भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय बनकर 21वीं सदी के इस आक्रमण का प्रतिकार करना है। और दूसरा प्राण वाक्य है, प्रकृति से लौटेंगे संस्कृति की ओर। जिस दिन हम प्रकृति की ओर वापस लौटेंगे, उस दिन हम वाकई में सही मायने में हिंदू होंगे, उसी दिन हम सही मायने में भारतीय होंगे। और प्लीज, मजहब और संस्कृति में कंफ्यूज मत होइए। मेरा नाम सुबुई खान है, मेरा मजहब इस्लाम है, यानी मेरी पूजा पद्धति, उस परम सत्य तक पहुंचने का एक रास्ता मैंने चुन लिया है, वो मेरा मजहब है, लेकिन मेरी संस्कृति हिंदू है। किसी भी जगह की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, वहां की संस्कृति होती है। माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। थैंक यू सो मच। और सभी युवाओं से एक बात और कहना चाहती हूं, क्योंकि आज समय की सीमा का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करी थी। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में क्रेडिबल लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। एक विजन है जो हम कैरी करके चल रहे हैं, उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें युवा लीडरशिप चाहिए। जो बच्चे भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना नोट पैड वहां स्टेज पर रख रही हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का फोटो बनाए, युवा दिवस है। जो बच्चे भी अभियान से जुड़ना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री या विधायक हो, तो भी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ तो एरिया हमारे अधिकार क्षेत्र में आता होगा, हमारा अपना कॉलेज, हमारा कैंपस, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, कोई गली, हमारा अपना शरीर। हर घर में भारत दिखना चाहिए, हर व्यक्ति में भारत दिखना चाहिए। मोटा यहां रख रही हूं, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं प्लीज अपना नंबर छोड़िएगा, जो रेलेवेंट लोग हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए आपको संपर्क करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
आप सभी ने ट्रेन की आवाज सुनी होगी, ट्रेन की आवाज सुनी है, ट्रेन की कैसे आवाज आती है, चुप 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 चुप। तो ऐसी ये अचानक ट्रेन की आवाज इसलिए है कि हमारी पत्नी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मुंह से ही आवाजों को निकालता है। तो मैं बिना किसी भूमिका के बुलाना चाहूंगा, भाई ने परिचय देने से मना किया, वो परिचय खुद ही नहीं, वैसे भाई को किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है, पर उनके मुंह से परिचय कुछ अलग अलग लोग करें। हेलो 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 हर हर महादेव, आप सबको करता हूँ निगम, मेरा नाम है अमन। नेशनल डिनर टू टाइम, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपने गले से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 450 आवाजें निकालता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, कदरी करता हूँ, और सर ये वाला माइक ले सकता हूँ। कई सारी मशीनों की आवाज आप लड़कियों की भी आवाज, सपोज मैं अमल नहीं होता मेरा नाम होता, आप सबको प्रणाम करिए, तो मैं मतलब गर्ल की आवाज में कितना भी रेंज तक जा सकता हूं, कितना भी नीचे। कुछ मशीनों की आवाज से शुरू करता हूं, फिर धीरे धीरे खुले गए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कहने की भी सर जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शोर सा होगा पर, और उसे अगर पसंद आए तो मैं सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी ट्रेन 7 घंटे लेट थी और मेरा घर यहाँ नहीं है, गले में दिक्कत हो गई, रात का सफर किया, आई एम फ्रॉम चंबल दिल्ली। तो इज्जत तान सीन दोनों को ट्रेन में सोचते हो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आती है, रुकती है, जाती है, अनाउंसमेंट होता है, तो वहां का पूरा वातावरण हुआ,
कर रहे थे कुछ लव वगैरह, तो बाकी आप सब लोग भी हैं तो फील आ रहा है। हाँ, रॉयल एनफील्ड बुलेट अपने गले से। कह रहा है
मतलब लड़की की आवाज कॉपी हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं किसी की भी आवाज सुना लेता हूँ, अभी बहुत सारी आवाजें जो मैंने आपको नहीं सुनाई है, तो समय कम है इसलिए। और कोई डिमांड किसी की? शाहरुख खान, अजय देवगन, ठीक है शाहरुख खान। भारत माता की, भारत
सभी उपस्थित भाई और बहनों, एक लंबा समय हो गया और सुनने की भी मानसिकता रहती है। लगभग आयोजकों के समय निर्धारण से एक घंटे विलंब तक ये कार्यक्रम चल रहा है और सुनने का मानस केवल 40 मिनट का व्यक्ति के होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। सभी प्रकार की विधाओं का प्रदर्शन यहाँ हुआ है। मेरा विश्वास है उनमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। कितनी प्रकार की मेधाएं मनुष्य के अंदर हो सकती हैं, इस विद्यालय के ही छात्रों ने आपको अपने सामने प्रस्तुत कर दिया। या जब पढ़ते होंगे तो बड़े सामान्य होंगे, लेकिन उन्होंने संगीत के क्षेत्र में, कवित्व के क्षेत्र में और दूसरे भी तमाम प्रकार के क्षेत्रों में अपनी मेधाओं को इतना विकसित किया है। मेरा विश्वास है कि युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी ने यही संदेश दिया है कि हमारे अंदर की जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, विवेकानंद ने कहा कि ज्ञान ऊपर से नहीं दिया जाता, ज्ञान अंदर निहित है, केवल उस ज्ञान को प्रकटीकरण का आवश्यकता है। आप अपने ज्ञान को प्रकट करते हुए अपनी पूरी क्षमताओं को इस देश की सेवा में लगाएंगे, अपनी मेधा को गरीब की सेवा में लगाएंगे और जैसा स्वामी जी ने कहा है कि चांदा से चांदा व्यक्ति भी इस देश का मेरा भाई है, उसके जीवन में परिवर्तन लाना, उसको भूख से मुक्त करना, उसको भय से मुक्त करना, उसके जीवन के अंदर अशिक्षा का प्रकाश से अंधकार है उसे मुक्त करके शिक्षा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में लाना, वह किसी प्रकार के अभाव में है तो अभाव से मुक्त करके उसके जीवन में सब प्रकार के प्रभाव को लाना, यही स्वामी जी का संदेश है। और मुझे लगता है कि आज का दिन संकल्प का दिन है, हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि स्वामी जी ने जो भी संदेश दिया, उन्होंने कहा जिज्ञासु बनो, क्योंकि जिज्ञासु थे और जिज्ञासा के कारण ही वो नरेंद्र से विवेकानंद बने। उन्होंने कहा कि अगर जीवन के अंदर कोई काम करना है तो काम पूरी निष्ठा से करो, पूरी लगन से करो, और इसलिए एकाग्रता का उन्होंने आग्रह किया। हम एकाग्रता के साथ देश के हित में विद्यार्थियों का अध्ययन करेंगे, किसी व्यवसाय में तो देश के हित में ही हम अपना व्यवसाय करेंगे, उसकी प्रेरणा स्वामी जी ने हमको दी है। मेरा विश्वास है कि हम स्वामी जी के इन सारे वचनों से प्रेरणा लेते हुए आने वाला जो भारत का कल है, या भारत का कल या स्वर्णिम कल बने, और जैसी हम सबकी अपेक्षा है कि 21वीं सदी का भारत ये स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बने, इस देश में कोई भूखा न सोए, इस देश में कोई नंगा न रहे, इस देश में कोई बिना शिक्षा के न रहे, इस देश में कोई बिना घर के न रहे, चाहे वो गांव में रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, बनों में जंगलों में रहता हो, गिरवासी बनकर वो पर्वतों पर रहता हो, यही स्वामी जी ने कहा है। मेरा विश्वास है कि स्वामी जी के इन वचनों से आप निश्चित रूप से प्रेरित होंगे और एक संकल्प लेकर अपने जीवन को स्वामी विवेकानंद के सपनों के अनुरूप ढालते हुए इस देश की सेवा में लगाएंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ आप सबको इतना धैर्य पूर्वक आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्रीमान विकास जी अपने जिला प्रमुख पूर्ण छात्र परिषद को आमंत्रित करूंगा कि इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आज अपने इस पूर्ण छात्र परिषद के युवा दिवस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अपने इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी टीचर, विद्यालय समिति और इस कार्यक्रम को शुभ जो चार चांद लगाए ऐसे सभी कलाकार बंधुओं का, अपने अतिथियों का जो अपना इतना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमें मार्गदर्शन दिया, उनके लिए मैं सभी विद्यालय परिवार, विद्यालय समिति और अपने सभी कलाकारों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम को जिस हमारी समिति ने मिलकर के इतना परिश्रम किया
और सफल बनाया, सफल बनाने में उनका योगदान रहा, और पूर्व छात्र जो इस कार्यक्रम में आए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम् वंदे